ये मैंने कैटेगराइज कर दिया था कि टूल्स को आपने मूवमेंट सिलेक्शन से रेलेवेंट कुछ टूल्स हैं, ठीक है। इसके बाद आपके क्रॉप एंड स्लाइसिंग से रेलेवेंट कुछ टूल्स हैं, फिर मेजरमेंट के कुछ टूल्स हैं, रीटचिंग एंड पेंटिंग के टूल्स होते हैं। इसके अलावा आपके पास इसमें ड्राइंग एंड टाइप टूल्स हैं, कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ इंशाल्लाह आने वाले डेज में हम इसको लर्न करेंगे। ये टूल्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे टूल्स कर लिए थे। कस्टम शेप्स को मैंने आपको बोला था कि कस्टम शेप्स अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहो तो वो मैंने आपको वेबसाइट का लिंक बता दिया, तो वहां से आप डाउनलोड करने के बाद कस्टम शेप्स को आप अपने कैनवस के ऊपर अगर आप उनमें से कोई शेप को, एक तो रेगुलर शेप्स होती है ना, मैथमेटिकल शेप, रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन और स्ट्रेट लाइन, इसके अलावा अगर आपको टूल्स चाहिए तो वो मैंने आपको वहाँ पे कस्टम शेप्स को किस तरह आपने डाउनलोड करना है। और ये वो टूल्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, पैन टूल। और इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वर्क करते हो अपने कैनवस के ऊपर, कोई आप कंटेंट को डेवलप करते हो और किसी स्टेज पे अगर आप चाहो उसको अगर आपको अंडू करना हो, तो अंडू करने के लिए आपके पास एडिट में अंडू की ऑप्शन अवेलेबल होती है। नंबर ऑफ अंडूज कितने हो सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। इसके अलावा एक मेन्यू होता है फाइल, फाइल में एक ऑप्शन होती है रिवर्ट, रिवर्ट क्या करता है इसको भी चेक कर लेते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास हिस्ट्री की स्टेट्स होती हैं जो कि आपको 1000 तक आपको वो वैल्यूज को सेट करने के लिए परफॉर्मेंस का मेन्यू है प्रेफरेंसेस के अंदर, और वहां से भी आप इसको सेट कर सकते हो। आज हम अंडू एंड हिस्ट्री पैनल्स को जल्दी से एक दफा देख लेते हैं कब और कहाँ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कैनवस है और इस कैनवस के ऊपर सबसे पहले तो वर्क स्पेस असेंशियल्स ऊपर बाय डिफॉल्ट होती है, इसको रीसेट कर लिया करो। और इसके बाद ये आपके पास टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स को मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसमें से कुछ टूल्स हम कर चुके हैं और बिल्कुल एंड के ऊपर एक टूल हमने कस्टम शेप का इसको हमने लर्न किया था। यहाँ से हम डिफरेंट काइंड ऑफ जो कस्टम शेप्स हैं इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड हो आप अपने कैनवस के ऊपर उसको लेके आ सकते थे, ठीक है जी। यहाँ तक हम लोगों ने उस दिन किया था। और बाकी ये है कि अगर आपने फर्दर कोई डाउनलोड कर लिया कस्टम शेप्स, तो वो मैंने आपको डाउनलोड का एक लिंक दे दिया था, और उस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इस गेयर बटन से उसको इम्पोर्ट करते हो। इस गेयर बटन, ये छोटा सा आइकन आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आप इंपोर्ट करते हो। तो ये कस्टम शेप्स आपके पास, चूंकि शायद वीडियो ना पहुंचा तो दोबारा से मैं आपको एक दफा कस्टम शेप के बारे में बता दूं। और दूसरा, अगर आपने कोई इमेजेस की अच्छी कलेक्शन चाहिए तो ये वेबसाइट्स के डिफरेंट लिंक्स हैं। इसमें मैं आमतौर पे पिक्साबे से और अनस्प्लैश वगैरह से, फ्री पिक से, और जो PNGs होती हैं वो PNG विंग से मैं आमतौर पर डाउनलोड करता हूँ। जितनी मेरे पास कलेक्शन है वो आपको, यहाँ तक के मैं अपनी वीडियोस के ऊपर अगर कोई म्यूजिक ऑन करता हूँ बैकग्राउंड के ऊपर, तो मैं इस वेबसाइट को आपके लिए रेकमेंड करूंगा। यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पे आपको जो है कॉपीराइट के इशू नहीं आता। जस्ट आपको अपनी 2 मिनट की कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, कोई सॉफ्ट म्यूजिक, कोई हार्ड म्यूजिक, कोई पॉप म्यूजिक, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अपनी वीडियोज के ऊपर मैं आमतौर पर जब अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ तो बाजूकात के मैं वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक जो लगाता हूँ वो पिक्सअप से मैं डाउनलोड करता हूं। तो आप भी वहां पे जाके इनको यूज कर सकते हो। ये बहुत काम की वेबसाइट्स हैं। अगर आप इस पे चले जाओ तो यहां से भी आपके पास इमेजेस की भी अच्छी कलेक्शन मिल जाती है और यहाँ पे म्यूजिक की भी अच्छी कलेक्शन मिल जाती है। ये म्यूजिक है, साउंड इफेक्ट्स भी अच्छे से डाल सकते हो। तो ये आप जस्ट यहां पे क्लिक करो तो जहां पे आप जो भी, फॉर एग्जांपल वीलॉग्स, आपने वीलॉग म्यूजिक है, वीलॉग बैकग्राउंड्स है, जो भी आप यहाँ पे जस्ट दोगे तो ये आपको डिफरेंट यहाँ पे साउंड्स अवेलेबल रहते हैं। इसको आप प्ले करके भी देख सकते हो, इसकी ड्यूरेशन यहाँ से आपको पता चल रही है 2 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट 53 सेकंड। तो ये डिफरेंट साउंड आपके पास अवेलेबल है, जस्ट यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम दिस वन, लेकिन उसको पहले टेस्ट कर लिया करो प्ले करके, ठीक है। ये चूंकि HDMI केबल लगी हुई है तो स्पीकर्स के थ्रू आवाज़ नहीं आ रही आपको, लेकिन आप अपने लैपटॉप पे जब प्ले करोगे आपको साउंड सुनाई देगी। और अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो ये डाउनलोड का बटन है। मैं आमतौर पे यहीं से साउंड्स अपनी जो डाउनलोड करता हूँ और अपनी वीडियोस के ऊपर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे आप डाउनलोड करना है और डाउनलोड इस तरह आपके डाउनलोड के फोल्डर में ये MP3 फाइल होती है, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी। और मैं डिफरेंट जो आपकी पॉइंट्स होते हैं वीडियो के, जहाँ पे मैं इसको लगाना चाहूँ यहाँ से लगा सकता हूँ। सिर्फ एक काम किया करो, जब आप अपनी वीडियो अपलोड करो तो उसको आप यहाँ पे
जो एक्नॉलेज करना पड़ेगा आपको कॉपी करके, इसकी ये वाला लिंक वहां पे आप रख दिया करो। जैसे मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर जब अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसको एक्नॉलेज करता हूँ कि ये किसका म्यूजिक है, ठीक है, इसका ऑथर कौन है, आर्टिस्ट कौन है, और जिसका वेबसाइट कहाँ से मैंने इसको पिक किया, ये जरूर उसके अंदर लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ता है। अदरवाइज कॉपीराइट इशू आपको स्ट्राइक कर देता है और आपको फिर उसकी मोनेटाइजिंग वगैरह अगर आपने की हो तो नहीं होती। तो ये हमें आमतौर पे इस डिस्क्रिप्शन में इस पार्ट को लिखना पड़ता है, और इसमें होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सी एक्नॉलेजमेंट होती है अबाउट द आर्टिस्ट। जैसे मैं नोटपैड में ओपन करके दिखा देता हूँ, ये गो के आपका अभी का काम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको कुछ वेबसाइट्स के साथ आपको फेमिलियर करना चाह रहा हूँ, कल को फ्यूचर में अगर आप इसको यूज करना चाहो अपने, ये देखो जस्ट इसमें एक्नॉलेजमेंट होती है, म्यूजिक बाय कहाँ से आपने पिक किया है, और इसका आर्टिस्ट वगैरह, इसकी लिंक्स वगैरह मुझे यहाँ पे देने पड़ते हैं, अदरवाइज कॉपीराइट इशू आ जाता है। मोनेटाइजिंग अगर मैंने, चूंकि मेरी वीडियोस को मोनेटाइजिंग ऑन है तो फिर मोनेटाइजिंग में वो मुझे उसको ऑफ कर देता है, मुझे उसको ऑन करने के लिए ये डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डालना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक अपनी वीडियो अपलोड की थी, वो काफी 2 आवर्स की वीडियो थी, लास्ट वाली टाइप वाली, मुझे इसलिए उसको डिलीट करना पड़ा चैनल से क्योंकि उस पर मोनेटाइजिंग का ये लिंक मैं डालना भूल गया, ठीक है, वो आपको पता डिस्टरबेंस चल रही है, तो मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डालना भूल गया, तो मुझे कॉपीराइट का इशू आ गया और मुझे फिर उसको वहां से डाउनलोड करना, जो अपलोड किया था उसको मुझे डिलीट करना पड़ा। हो सकता है आप में से टाइप की वीडियो किसी ने देखी हो 2 आवर्स वाली, आपने उसके बाद वो मैंने खत्म कर दी, उसके बाद मैं अपलोड नहीं कर सका उसको, वो फिर वही इशू यूट्यूब चैनल का जो थोड़ा सा आपको पता डिस्टरबेंस है। इंशाल्लाह जैसे वो ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो फिर आपको वीडियोस इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बात यह है कि आपको अगर फ्री म्यूजिक चाहिए, फ्री पिक्स चाहिए, तो ये बहुत फेमस वेबसाइट है, ये आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो ऑडियोज हो चाहे वो आपकी कोई इमेजेस हो। तो ये मैं आमतौर पे इन्हीं वेबसाइट पे जाता हूँ जो मैंने आपको बताई, आमतौर पे इमेजेस के लिए और प्लस फ्री आपकी ऑडियोज के लिए, म्यूजिक के लिए, बैकग्राउंड के लिए, मैं यहीं से इसको डाउनलोड करता हूँ। जिससे मैं अभी आपको लाइव इसका डेमो भी दिया, पिक्सबे में जाके मैंने म्यूजिक पे क्लिक किया, काफी सारे उसमें डिफरेंट आर्टिस्ट म्यूजिशियन के अच्छी उसमें कंपोजिशन पड़ी होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन की होती है, जितनी मुझे उस स्लॉट के लिए चाहिए होती है वो मैं वहां पे लगा देता हूँ। तो ये आमतौर पे आप जो है वो अपनी वीडियोस के साथ उनको बैकग्राउंड में आप, या नरेशन अपनी दे दो, अपनी साउंड साउंड भी अगर प्ले कर रहे हो तो साथ में आप लाइट सॉफ्ट म्यूजिक भी बैकग्राउंड में रख सकते हो। तो आमतौर पे थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है बाद वीडियोज, तो जब कभी आप ट्रेवल करते हैं तो वीलॉग्स वगैरह बनाते हो तो मैं साथ में म्यूजिक को भी प्ले कर देता हूँ ताकि चलो थोड़ा सा सॉफ्ट काइंड ऑफ साउंड आपको सुनाई दे। तो ये इस तरह ये आपको यहाँ पे मिल जाती है और ये आपके पास फ्री होती है अगर आप इसे यूज करना चाहो तो, ठीक है जी। और अगली बात, अभी जो मैं आपको नेक्स्ट, अभी जो मैंने स्टार्ट किया था पॉइंट, उसी पे दोबारा आपको कनेक्ट कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरह आपने इन बेसिक टूल्स को आपने यूज किया, इसमें कस्टम जो शेप्स हैं वो यहां से मैं डाउनलोड करता हूँ। दोबारा से बता दूं, ये इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखो यहां से मुझे फॉर एग्जाम्पल ये एरोज मुझे अपने डिजाइन में चाहिए, ठीक है, कस्टम शेप्स पे अगर आप क्लिक करो काफी सारी शेप्स आपको मिल जाती हैं। ये लास्ट टाइम हमने जो किया था उसको मैं रीकैप दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये बटरफ्लाई मैंने लास्ट टाइम शायद आपके सामने ही डाउनलोड किया था और इसको फिर मैंने इंपोर्ट कर दिया था। तो ये आपके पास डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं, इनमें से अगर आपको बैक टू स्कूल के लिए कोई ये शेप्स आपने यूज करनी है ये आप कर लो, डिफरेंट फ्लावर्स की शेप अगर आपको यूज करनी है तो ये आपके पास अवेलेबल होती है, डिफरेंट ये डिजाइन अगर आपने बैकग्राउंड में डालने हैं रेस के, जैसे मैं आपको डाउनलोड करके अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको दिखाता हूँ, ये लेकिन कैनवस के ऊपर रे ऑफ लाइट कस्टम शेप्स डाउनलोड कर लिया, इसका साइज आपको दिख रहा है 1.7, डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड हो गया। और डाउनलोड के इस वक्त डिफॉल्ट लोकेशन जो होती है बाय डिफॉल्ट डाउनलोड का फोल्डर होता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो डाउनलोड के बजाय किसी और फोल्डर की तरफ, आपको यहाँ पे इसको कस्टमाइज करने की ऑप्शन होती है 3 डॉट्स के थ्रू, यहां से अगर आप चाहो सेटिंग में जाके आप डाउनलोड फोल्डर के बजाय किसी और जगह पे भी अगर आपने स्टोर करना हो सेटिंग में जाके आप कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट फोल्डर क्या होता है, डाउनलोड, ये आ गया, इसको आपने अनकंप्रेस करना है जिसे एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिर्फ मैंने ये आपको लास्ट टाइम बोला था कि आपने ये शेप्स जो डिफॉल्ट आपको अवेलेबल है इसके अलावा अगर आपको चाहिए
कस्टम शेड्स, इसके अलावा अगर आपको चाहिए जो लाइनअप हुई हुई है, इसके अलावा अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आपको डाउनलोड के लिए लिंक मैंने बोल दिया, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लीव्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स की लिस्ट है, ये देख रहे हो एक्सपेंड कर रहा हूँ, काफ़ी सारे आपको एनिमल्स की लिस्ट नज़र आ रही है, बोर्ड्स की लिस्ट है ये, अगर आपको चाहिए अपने डिज़ाइन में, फ्लावर्स की है ये, आपको ये मिल रही है। इसके अलावा बटरफ्लाई मैंने लास्ट लेक्चर में डाउनलोड किया था, ये आगे, और अगर इसके अलावा आपने अभी जो डाउनलोड किए हैं उसको आपने यहाँ पे लिंक करना है तो इंपोर्ट करना पड़ता है गियर आइकन के साथ। पहले उसको डाउनलोड करना, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना, फिर यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लेना। डाउनलोड फोल्डर, रे शेप्स, और ये रे शेप्स में जाके, और ये कस्टम शेप्स की एक्सटेंशन होती है CSH, सी कस्टम एस एच शेप्स, ये वाली फाइल को आपने क्लिक करके लोड करना है। और ये देखोगे ये आगे, इनको आप अपने डिजाइन में अपने कैनवस के ऊपर लेके आ सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट है, जिसकी जरूरत है आप इसको क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहां पे आप उसको ड्रैग करके आप ड्रॉप कर दो, ये कैनवस के ऊपर, आप ग्राउंड के ऊपर रेस की शेप्स आप यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से कैनवस के ऊपर आपने प्लेसमेंट की है, और इसको फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में, अपने डिज़ाइन के बैकग्राउंड में इन रेस को आपने शो करना है, आप कर सकते हो। इसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल कोई इमेजेस को डाउनलोड करने के मैंने आपको डिफरेंट वेबसाइट्स बताई हुई हैं, हाँ उसको लेके कैसे आना है, डाउनलोड करने के बाद फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ से आपने इसको प्लेस करवाना है, प्लेस, ये जी प्लेस यहां से करवा लो। और ये देखो ये काफी सारी डिफरेंट मेरे पास लैंडस्केप्स हैं, अगर कोई आपने पीएनजी को डाउनलोड किया हुआ है, मैं पीएनजी में चलता हूँ, बड़ी अच्छी पीएनजीज आपको मिल जाती हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट आपको ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, जैसे ये पीएनजी मैंने क्लिक किया, प्लेस कर दिया, ले जाना, ये इमेज आपके पास सिंपल यहाँ पे, और बाकी ये जितने भी हैं ये लेयर्स के ऊपर पॉपुलेट हो रहे हैं। अगर आप लेयर्स के वॉर करो तो ये बैकग्राउंड के ऊपर ये आपका ये दिख रहा है रेज वाला, इसको अगर आप अलग से स्क्रीन पे रखना चाहते थे रख सकते थे, जरूरी नहीं बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही से रखना है, ठीक है। अगर इसके बैकग्राउंड में भी कुछ आपको कलर्स रखने हैं रख सकते हो, ये देखो ये बैकग्राउंड के नीचे, सॉरी ये नई लेयर पे पॉपुलेट होता है, जैसा आपका वो रेक्टेंगल नई लेयर पे बनती है, पॉलीगॉन नई लेयर पे बनती है, लाइन नई लेयर पे बनती है, और ये बैकग्राउंड आ गया। अब बैकग्राउंड अगर आप चाहो इसका कलर चेंज कर सकते, वो मैंने आपको बड़ा आसान सा तरीका बताया हुआ है कलर चेंज करने का, आप जो भी फ्रंट फोरहेड फोरग्राउंड और बैकग्राउंड हो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो, कंट्रोल बैक स्पेस से और ऑल्ट बैक स्पेस से ये कलर चेंज यहां से भी कर सकते हो रहा है। और प्लस ये मैंने आपको इमेज के अंदर यहाँ पे सॉरी फिल एडिट मेन्यू में फिल के थ्रू भी ये मैंने आपको बता दिया था कि आप अगर चाहो इसके ऊपर ये लगा सकते हो। अच्छा सिर्फ फिल ही नहीं होता, इसका स्ट्रोक भी दे सकते हैं। लो जी अगर आप इसका स्ट्रोक देना चाहो ना, इसका स्ट्रोक भी दे सकते हो, स्ट्रोक भी है इसका, ये जैसा फेल होती है स्ट्रोक भी होता है। और इसकी विड्थ कितनी है, 1 पिक्सल। स्ट्रोक का कलर क्या है, इसको चेंज कर लो ताकि आपको अगर दिखना है, आपने इसको दिखाना है तो स्ट्रोक का कलर आप अपना पिकर से ले लो, ये पिकर आपके पास मौजूद है, यहाँ से आपने कलर पिक कर लिया है। और ये आपको मैंने लास्ट टाइम बोला था जब स्ट्रोक लगता है वो सेंटर होता है, हाफ इन हाफ आउट, तो इसको आप इनसाइड भी कर सकते हो, स्ट्रोक को आप इनसाइड भी कर सकते हो, आउटसाइड भी कर सकते हो, और यहाँ से इसकी वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हो, इनसाइड सेंटर, और ये आप यहाँ पे ओके करके आपको यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी हो गई है, ये देख रहे हो ये स्ट्रोक लग गया, क्योंकि आपने बैकग्राउंड लेयर को आपने क्लिक किया हुआ था तो उसके ऊपर जितने पिक्सल का आपने कहा वो स्ट्रोक भी लग गया। इसका मतलब आप अगर चाहो अपनी किसी भी लेयर के ऊपर ये वैल्यूज इसकी फिल की प्लस स्ट्रोक की दी जा सकती है, वेरी इजी वे टू डू। आप जस्ट इस लेयर को क्लिक करो और एडिट में जाके फिल और स्ट्रोक के थ्रू ये सारी चीजें आप इसके ऊपर रख सकते हो। इसका मतलब जो आपकी बैकग्राउंड लेयर थी उसको उसने ऑटोमेटिकली न्यू नेम भी दे दिया, लेयर 0, और उसके ऊपर ये रेज वाली लेयर जो मैंने अभी आपको दिखाई थी
जो कि मैंने अभी डाउनलोड करके आपका यहाँ पे लेके आया, और उसके ऊपर ये आपका वो इमेज है जो मैंने यहाँ पे प्लेस किया। बाकी हैंडल्स आपको दिख रहे हैं, इसके थ्रू आप इक्वल साइज अगर सेंट्रली मैनेज करना है ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसको कर सकते हो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसका साइज छोटा और बड़ा आप कर सकते हो। अगर ऑपोजिट साइड पे जाना है तो यू हैव टू क्लिक जस्ट शिफ्ट के साथ, तो उसी रेशियो से जिस रेशियो से आपकी विड्थ छोटी हो रही है हाइट भी छोटी हो रही है, कम हो रही है, जिस रेशियो से हाइट बढ़ रही है विड्थ भी बढ़ रही है। तो ये किस तरह हुआ पॉसिबल, ये शिफ्ट के साथ हुआ, और सेंटर में इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि मैंने ऑल्ट भी प्रेस किया हुआ है, और जैसे आपने इसको रखना था रखने के बाद टिक करोगे, ये टिक हुआ हुआ आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये फाइनल इसको कमिट कर देगा, आप इसकी प्लेसमेंट हो गई। और अगर आप इसमें इस ग्राउंड को अगर आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी डाउन भी कर सकते हो, अगर आप समझते हो कि ये रेड रेज जो हैं वो डिस्टर्ब कर रही है इमेजेस को या बैकग्राउंड को, तो आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो। जितने भी आप काम करना चाहो आप काम कर दो, ताकि रेज बिल्कुल लाइट वेट में अब आपको नजर आए, बाकी चीजें आपकी प्रोमिनेंट हो जाएं। तो ये देखो रेज इसमें ये पड़ी हुई है, लेकिन उसका कलर फेंट हो गया क्योंकि उसकी पेस्टी मैंने डाउन कर दी। तो ये लेयर्स पैनल को आप बाहर रखो ताकि आप इजीली इस पे काम कर सको। ये लेयर्स में मैंने कुछ चीजें आपको सिखा रहा हूँ, कुछ अभी तक मैंने नहीं बताई, ठीक है। जिस तरह मैंने डिलीट करना सिखा दिया था किसी लेयर को, अगर आप चाहो नहीं रखना डिलीट कर दो, अगर इसकी सेम कॉपी निकालनी है सेम कॉपी भी आप निकाल सकते हो प्लस पे क्लिक करने से या कंट्रोल जे प्रेस करने से। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक ही सॉरी नंबर ऑफ लेयर्स हैं इसको एक ही ग्रुप में डालना चाहो, तो ये भी मैंने बोला था इनको सिलेक्ट करके, इन दो को सिलेक्ट करके आप ग्रुप में भी रख सकते हो। ग्रुप कैसे करते हैं, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इस आइकन पे क्लिक करना है, और ये देखो ग्रुप बन गया। इस ग्रुप में दो चीजें हैं, एक रेज दूसरा इमेज। एक्सपैंड करके दिखा देता हूं, ये देखो ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब इसमें एक लिस्ट है, दो एलिमेंट्स इसमें रखे हुए हैं। अगर इंडिविजुअली किसी को करना हो यहां से कर लो इंडिविजुअली उसको ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, ये इंडिविजुअली उसको ऑन ऑफ करने के लिए, रेज भी ऑफ और पीएनजी जो आपका वो फैमिली नजर आ रही थी वो भी ऑफ। इंडिविजुअली करना यहां से कर लो, और एज ए ग्रुप अगर आपने इसको डील करना है यहां से कर। इसका फायदा पता क्या है कि आपको एक डिजाइन ये बनाया अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है, यहां पे मैं बाकायदा इसका एक टाइटल भी दे देता हूं, शॉपिंग पोस्टर, ठीक है, टाइटल वाइटल दे दिया इसको, टेक्स्ट को, और ये देखो ये इस ग्रुप में आ गया, ये इस ग्रुप में आ गया। अगर आप इस ग्रुप से इसको आउटसाइड लेके आना चाहो लेके आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आपने इस ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ तो इसी के अंदर ये पॉपुलेट हो गया। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहे इसको ड्रैग करके बाहर निकाल दो। अब ये इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अगर इसको ऑन ऑफ करेंगे सिर्फ ये दो एलिमेंट्स ही ऑन ऑफ होंगे, एक पीएनजी और उसकी रेस वाला ऑब्जेक्ट, टेक्स्टिल आपको विजिबल है। अगर इस ग्रुप में रख दोगे इसके ग्रुप के साथ वो आपको जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, अगर आप ग्रुप से बाहर रखोगे तो इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर आप चाहो इसको फर्दर अपनी मर्जी के मुताबिक आप यहाँ पे जैसे प्लेस करना चाहो आप कर सकते हो, और अगर आप किसी वैल्यूज को चेंज करना चाहो यू हैव टू सेलेक्ट अगेन टाइप टूल। जैसे टाइप टूल को सिलेक्ट करते हो ऊपर आपका मेन्यू विजिबल हो जाता है जिसमें ये कुछ ऑप्शंस हैं, इसको जरा जल्दी से मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। मेन मेन मोटी मोटी ऑप्शंस हैं, एक तो ये कलर, ठीक है जी, आप अपनी मर्जी से जो कलर मुनासिब सन जो जो बैकग्राउंड के साथ अच्छा लगे उसकी प्रोमिनेंट उसको प्रोमिनेंट हो उसको आप ले लो। फॉर एग्जाम्पल ब्लू मैंने ले लिया, ठीक है, कलर आपका ब्लू यहाँ पे हो गया। अगर आपको ये कहा जाए कि ये ब्लू जो ग्राउंड भी इसकी वो जो आपको डायमंड्स वगैरह बेस में नजर आ रहे हैं वो भी ब्लू हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब अगर आप फील कर रहे हो तो इसके स्ट्रोक की वैल्यू को आप चेंज कर दो, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को आप चेंज कर दो। अब स्ट्रोक कैसे सेट होता है, इसका स्ट्रोक नहीं आ रहा, स्ट्रोक मतलब इसकी आउटलाइन नहीं आ रही, ठीक है, फिल में आपने ब्लू कर दिया, स्ट्रोक की वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं दिख रही, ठीक है। इसके लिए काम करना
एडिट में जाता हूं, एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक टूल है, जो आपको प्रॉपर्टीज इसमें एक तो ये कि आप यहां से आप अपना फॉन्ट, इसका स्ट्रोक अभी बताता हूं आपको। ये आपने जी इसका एक तो फॉन्ट सेट कर दिया, इसके अलावा इसकी अलाइनमेंट होती है बाय डिफॉल्ट, ये सेंटर में होता है। ये मैंने लास्ट टाइम अगर आपको गौर किया हो, मैंने जब एक शेप बनाई थी सर्कल, उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट को प्लेस किया था, ठीक है। और टेक्स्ट की पोजीशन करने के लिए राउंड दी क्लॉक, अगर आप उसे एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज उसको अगर आप रोटेट करना चाह रहे हो आपका अपने सरफेस के ऊपर, पाथ के ऊपर, तो वो मैंने आपको बोला था। उसके लिए एक टूल यूज करते हैं, टूल का नाम है, ये टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। क्या इसको आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी उसकी? आपने हमें बनाया भी था वो, जो मैंने आपको लोगो बनाने के लिए कहा था कन्वर्स, जिसमें लिखा हुआ था उसको आप अपनी सरफेस के ऊपर रोटेट कर सकते थे अलॉन्ग दी पाथ, ठीक है। उसको आपने क्लॉकवाइज भी कर सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते यूजिंग दिस टूल। वो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड थी, वो आप वहां से इसको कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो टेक्स्ट को, टाइप टूल को, ये देख रहे हो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास इसमें रैप के नाम से ऑप्शन अवेलेबल होती है। ये आपके टाइटल को मजीद प्रोमिनेंट कर देता है। अगर आप इसको यूज करना चाहो तो ये करने के लिए आपने जस्ट अपने टाइप टूल को क्लिक करना है। ये वो सारी ऑप्शन है जो इसको और मजीद टाइटल को अच्छा कर देगी। डिजाइन में आर्कशेप में लेके आना, आर्कशेप में लेके आ सकते हो। जैसे आप क्लिक करते हो ये आर्कशेप में आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है, वो ऊपर आप देख भी रहे हो, ये देख रहे हो ये आक्षेप में आपका टेक्स्ट आ गया। अगर इसको आप थोड़ा सा बैंड की वैल्यू को कम करना चाहो यहां से कर सकते हो, ये देख रहे हो, ये बैंडिंग को कंट्रोल करने के लिए होता है। आप फॉर एग्जांपल आप बैंडिंग इतनी नहीं करना चाह रहे, आप बैंडिंग की वैल्यू को यहां से आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये जस्ट इस स्लाइडर को आपने यूज करना है, इससे आप इसकी बैंडिंग वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो स्लाइडर को मूव करके, ठीक है। वो देखो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। और बैंड आप इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आना चाहो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। ये रैप की ऑप्शन होती है। ये फायदा इसका ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को अगर आप चाहो, और सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं किसी शेप को भी अगर आप चाहो रैप किया जा सकता है। ये तो मैं भी आपको टेक्स्ट का करके दिखा रहा हूँ ना, ठीक है। इसको आप शेप वाइज भी डिफरेंट स्टाइल दे सकते हो। इसका नाम है वॉप टेक्स्ट, वॉपिंग के लिए ऑप्शन है, डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। इसको अगर आप यूज करना चाहो आर्क लोअर, ये देख रहे हो आर्क लोअर, इसको थोड़ी सी बैंडिंग आप अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहां से आप वैल्यूज को इंक्रीज करके यहां से देख लो, स्लाइडर के थ्रू देख लो, वो आप अपने टेक्स्ट जो सरफेस के ऊपर मौजूद है उसके ऊपर आर्क लोअर के नाम से ये आपके टेक्स्ट को वहां पे प्रेजेंट कर रहा है। आर्क अपर करोगे अपर अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा, और ये वैल्यूज आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आर्क का आपने ऑल्टीट्यूड बढ़ाना है तो आप यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, सिर्फ इसका ब्लेंडिंग ही नहीं होती, इसकी डिस्टॉर्शन भी होती है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये दोनों अवेलेबल हैं। इसको अगर आप क्लैरिटी के साथ देखना चाहो तो मैं इसको एक नई सरफेस के ऊपर दिखा देता हूँ, ब्लैंक के ऊपर, ताकि आप इसको एक दफा देख लो, फिर जैसे चाहो अपने कैनवस के ऊपर इसको प्रेजेंट कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू राइट हेडिंग लाइक दिस, जो भी है टाइटल आपका, हेडिंग, या आपने हेडिंग लिखने के बाद जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज अगर आपने बड़ा छोटा करना है आप शिफ्ट के साथ इसको कीजिएगा, ताकि आपका साइज विड्थ और हाइट वाइज कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो एक ही साइज में उसकी विड्थ और हाइट आपकी बढ़े। टी आपने जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको डिफरेंट एक्सपीरियंसिस के ले सकते हो, फ्रॉम आर्क, आर्क लोअर, आर्क अपर,
आर्च, ये आर्च से दिखा देगा, ठीक है। ये अगला जो ऑप्शन है शेल लोअर है, ये शेल का लोगो नहीं होता जिस तरह, उसी के नाम से ये निकला हुआ है शेल लोअर। अगर इसके आइकन की शेप देखो तो ये शेल का जो आपका लोगो होता है उसी साइज के उसी उसी तरह का आपको इसका डिजाइन यहाँ पे नजर आ रहा है। शेल अपर भी होता है, बिल्कुल उसको फ्लिप कर देगा ऊपर की साइड पे, ये आप ले सकते हो। अगर आपको इसमें प्रॉपर्टी वाइज में चेंजेस करनी हो, ये थ्री वैल्यू से आप इसे चेंज कर सकते हो। नंबर वन ब्लेंड, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा वर्टिकल। वर्टिकल आमतौर पे स्टूडेंट्स हम तब यूज करते हैं जब टेक्स्ट वर्टिकली आपका प्लेसमेंट उसकी हुई हो। ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टॉर्शन ना कीजिएगा, वो अजीब से आपके वहां पे उसकी विजुलाइजेशन आपके अजीब सी आ जाएगी टेक्स्ट की। इसका मतलब है हेडिंग अगर आपकी हॉरिजॉन्टल हो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन के साथ चले जाओ, हेडिंग अगर आपकी वर्टिकल हो तो वर्टिकल के साथ चले जाओ। जैसे मैं ये आपको करके दिखाने लगा हूं, ये डिस्टॉर्शन हो रही है वन साइड आपकी, और सेकंड जो उसका फार साइड है वो देखो, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन है। और जिस साइड के ऊपर आप इसको लेके जाओगे स्लाइडर को, वहां पे इसकी डिस्टॉर्शन वैल्यूज को आपका जो उसकी वेट बढ़ा देगा, दूसरी को थोड़ा स्मार्ट कर देगा, ठीक है। और जिस साइड पे अगर आप लेके जाते हो, बिल्कुल इसके ऑपोजिट लेके जाते हो, तो रिजल्ट कुछ इस तरह होंगे। अब आपकी मर्जी है, आप अपने टेक्स्ट को कैसे शो करना चाह रहे हो। हॉरिजॉन्टल वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में होता है, ऑलमोस्ट जीरो वैल्यूज की होती है, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हो। पहले आपने इसकी बेंडिंग कंट्रोल करना है, और बेंडिंग से पहले आपने स्टाइल देना है, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है। अगर आपको फ्लैग का स्टाइल लगता है अच्छा, आप फ्लैग भी दे सकते हो। ये लो, ये फ्लैग की तरह का आपका हेडिंग या टेक्स्ट उसने स्टाइल लगा दिया, और ये हॉरिजॉन्टल बाय डिफॉल्ट होता है। वर्टिकल करोगे तो कुछ इस तरह नजर आएगा, ये दिख रहा है, काफी डिस्टॉर्शन नजर आ रही है, अब क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल आप ही रखो अगर हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट है, और अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल आप कर दो। मिसाल के तौर पे एक और टेक्स्ट लिखते हैं, www.heading.com, ये टेक्स्ट है, ठीक है। इसको आप शिफ्ट कर सकते हो, ऑरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि यहां से पहले कर लेते, टाइप करने से पहले ये कर देते। अगर आपने करना भूल गए हो, टाइप हो गया है, कोई टेंशन नहीं, यहां से कर लो। इसको जहां पे भी सरफेस पे आपने रखना है, पेज के ऊपर रखना है, आप इसको रख सकते हो। और प्लस अगर आप चाहो तो इसको भी आप अपनी जरूरत के मुताबिक टी फॉर टाइप को आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अगेन अवेलेबल हो जाएगा वाप की ऑप्शन। इससे आप डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हो, क्लिक करो, बाय डिफॉल्ट नन होता है, एक एक करके आपने इसको चेक करना है आर्क। और ये देखो, चूंकि मैंने वर्टिकल टेक्स्ट लिखा है तो ये वर्टिकल बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उसकी एक्टिव हो जाती है। अगर हॉरिजॉन्टल लिखा होता है तो हॉरिजॉन्टल ऑन हो जाती है, वर्टिकल लिखा होता है तो वर्टिकल ऑटोमेटिकली, इतना वो सेंस करता है। फोटोशॉप इतना अकलमंद है कि जब वो टाइपिंग की ऑरिएंटेशन देखता है हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू के साथ उसको प्ले करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज बैंड बैंड उसकी बैंड की, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन की और वर्टिकल की। और जहां तक डिस्टॉर्शन अगर आप वर्टिकली इसको कंट्रोल करना चाहो, यहां से कर सकते हो, ये देखिए। जिस तरह हॉरिजॉन्टल में हो रहा था, ये देख रहे हो अपर हाफ पे, और ये लोअर हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ आपको इसकी वैल्यूज डिस्टॉर्शन की यहां नजर आ रही है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये जीरो ही होता है, आप दोनों बैलेंस होती हैं, अपर हाफ भी और लोअर हाफ आपका बैलेंस होता है। लेकिन अगर आप चाहो इसकी डिस्टॉर्शन वैल्यू से आप इसको, अगर आप चाहो इसका बैलेंस आउट भी कर सकते हो, वो यहां से करते। अब आपकी मर्जी है कौन सी स्टार्ट वाली को करना है या एंड वाली को, वैल्यू को आपने इसकी वैल्यूज को आपने कंट्रोल करना है। और अगर आप कुछ नहीं करना तो इसको सेंटर में रखो और इस डिफरेंट स्टाइल के साथ इसको टेस्ट करो, जो अच्छा लगता है। जहां तक बैंडिंग कम ज्यादा करनी हो, यहां से कर सकते, मजीद बैंड, मजीद बैंड, मजीद बैंड। और अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना चाह रहे हो या क्लोज टू योर सेंटर वैल्यू लेके आना चाह रहा हो, तो ये नॉर्मल सी बैंड है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपने बैंडिंग जो है वो लेफ्ट साइड पे टारगेट करनी है या राइट साइड पे करनी है। अगर इधर करनी है इधर ले आओ, जैसे आप पसंद करो। क्या आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कॉम्बिनेशन विद बैंड हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन वर्टिकल डिस्टॉर्शन समझ आ गई है? आसान सी ऑप्शन है।
कोई इतनी दिक्कत वाली ऑप्शन नहीं है, जस्ट आपने इसको अपने पेज के ऊपर, कैनवस के ऊपर, जहां पे आप सुटेबल समझते हो, हर जगह नहीं लगाते कि जबरदस्ती जी नई डिजाइन की रिक्वायरमेंट है फिर भी इसको आप कर रहे हो, जहां पे जरूरत हो आप समझते हो कि टाइटल्स हैं, हेडिंग्स हैं, और वो आप एक कवर पेज है उसके ऊपर आपकी जो टाइटल है उसके ऊपर आप इसको करना चाह रहे हो, तो या आप इसको इसके फुटर में, हेडर में, या लेफ्ट राइट साइड के ऊपर, जैसे ये मैंने WW को एक बैंडिंग शेप में कन्वर्ट किया है, तो ये आप यहां से इसको कर सकते हो, और ये जैसे आप करने के बाद ओके करोगे इसकी प्लेसमेंट फाइनल यहाँ पे हो गई है। और जहां तक शेप्स का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, ये आप इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा टूल, ठीक है। इस टूल से अगर आप चाहो इसके डिफरेंट पॉइंट्स को आप चेंज कर सकते हो, मिसाल के तौर पे ये है कि आपने रेक्टेंगल लिया जिसके कॉर्नर्स राउंड हैं, ठीक है, अगर आपने शेप के ऊपर इस तरह का कोई एक्शन करना हो ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है वो भी बता देता हूं आपको, अगर जरूरत पड़े तो ये आप कर सकते हो। रेक्टेंगल शेप थी, ठीक है, मैंने डिलीट कर दी, दोबारा से देखिएगा कोई भी शेप बनी हो, ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने फिल जो करना था वो भी कर दिया, अगर आप इस शेप को यहां पे यूज करना चाह रहे हो टाइटल में, आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो यहां पे, ठीक है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आप ये टूल यूज करोगे जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आर्क आपने इसकी बनानी है, ठीक है, जस्ट आपने इस पे क्लिक करने के बाद ये कॉर्नर के ऊपर आपके हैंडल्स नजर आ रहे होंगे ये वाले, ठीक है जी, ये कॉर्नर के ऊपर जो आपको हैंडल नजर आ रहे हैं इसको आप बहुत अच्छे तरीके से अगर यूटिलाइज करके इसको आप इसकी शेप को चेंज करना चाहो, ये असल में अभी ये एक मैथमेटिकल शेप है रेक्टेंगल, ये अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर जाएगा जैसे इसकी आप वैल्यूज को यहाँ पे चेंज करोगे, कैसे करेंगे ये देखो, जब आप क्लिक करते हो ना ये पॉइंट्स नजर आते हैं, और किसी एक पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए आप क्लिक कर दो, ये एक पॉइंट एक्टिवेट हो गया, इधर करना है इधर कर दो, और क्लिक करने के बाद ड्रैग करो, ये लो, ये देखो वो कह रहा है ये जो आपने एक्शन किया है ना ये आपकी रेगुलर पाथ में इसको एक पाथ में कन्वर्ट कर देगा, अब ये रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा, अभी ऊपर देख रहे हो यहां पे क्या नजर आ रहा है, ये एक रेक्टेंगल था ग्रीन में लेयर में, वो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन आफ्टर दिस एक्शन ये रेक्टेंगल नहीं रहेगा, ये एक पाथ बन जाएगा जिसकी अभी जो साइड्स हैं अगर काम ज्यादा करना चाहो कर सकते हो, ये देखो जैसे मैं यस करता हूं ये आपका एक पाथ के तौर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और आप अगर चाहो इसको यूज करते हुए इसकी शेप को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ये जनाब यहाँ तक के इसको इस शेप में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपने इन पॉइंट्स को अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हो, ये लो एक मैंने शेप बना दी, ठीक है, इसको टाइटल में मैंने यहाँ पे आपको दिखाना है। अच्छा, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि आप इसको जस्ट जब आप क्लिक करते हो ना किसी पॉइंट के ऊपर तो ये आपको जस्ट इसको आपने मूव करना है, और यहाँ पे आप इसको लेके जाने के बाद ये पॉइंट्स को आप बड़ा अच्छे तरीके से ये टाइटल में अगर आपने इसको पुट करना हो कुछ इस तरह दिखाना हो आप इजिली इसको दिखा सकते हो, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो आपको एंकर्स नजर आ रहे हैं अगर आपको नहीं चाहिए एंकर्स को डिलीट भी किया जा सकता है, अगर आप समझते हो ये एंकर फालतू हैं इसकी जरूरत ही नहीं है इसको डिलीट कर दो, डिलीट करने का आसान सा तरीका स्टूडेंट्स वो ये होता है कि ये आपके पास एक टूल है जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन के बिल्कुल ऊपर होता है, इस टूल का नाम है पेन टूल, पेन टूल में ये डिलीट एंकर पॉइंट का टूल होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर आप चाहो इस पॉइंट को आप खत्म कर दो, पॉइंट्स को आप खत्म भी कर सकते, और पॉइंट्स जैसे खत्म होते हैं ऑटोमेटिकली आपकी शेप भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, और साथ में ये अगर आप गौर करो कुछ आपके कंट्रोल करने के लिए एंगल, ये आपके पास स्ट्रेट इसको करने के लिए, ये आपके पास एंगल को कंट्रोल करने के लिए ये नोड्स भी आ गई, और अगर आप जस्ट वर्क करना चाह रहे हो यू हैव टू सिलेक्ट वाइट एरो, और अगर आप इसके अंदर एंकर्स के ऊपर काम करना चाह रहे हो यू हैव टू सिलेक्ट पेन टूल, और मजे की बात ये है कि जब आपने इसका डिजाइन चेंज करना था
ये आपने कर दिया। अगर आपको कहा जाए कि इसको यहाँ पे बैंड करना है तो यहाँ पे कोई एंकर आपको चाहिए, आप एंकर ऐड भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एंकर डिलीट होता है, एंकर ऐड भी होता है, यहाँ से होता है। इसका मतलब है कोई भी रेगुलर शेप हो, अगर आप चाहो उसके अंदर आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे एंकर ऐड हो गया, ये देख रहे हो एक पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने वर्क करना है तो स्टूडेंट यू हैव टू गो विद दिस टूल। इसका मतलब ये टूल्स को आपस में आपने एक दूसरे के साथ तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये एंकर्स क्रिएट करने के लिए, एंकर्स डिलीट करने के लिए तो आपने यहां से जाना है, लेकिन एंकर्स के ऊपर वर्क करना हो, इसको पोजिशन करना हो, तो आपको सिलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अवेलेबल है, और ये जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एंकर ये आपको आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्रिएट किया, और जैसे आप क्लिक करोगे ये देख रहे हो ये आपके पास कर्वी शेप में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये यहाँ से आप इसको कर्व शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये आमतौर पे हमें जरूरत पड़ जाती है कि आप इसी तरह अगर आप बॉटम के ऊपर भी कोई इसी तरह का आप एक्शन करना चाहो, दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक कि आप एक रेगुलर शेप के ऊपर वर्क करो, जैसे मैं करने लगा हूँ रेगुलर शेप पे वर्क कर लो, एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको एंकर चाहिए तो ये ऐड करवा लो, यहां से एंकर ऐड हो गया। एंकर ऐड होते ही दोनों तरफ हैंडल्स भी आ गए, गौर कर रहे हो, दो हैंडल्स भी आ गए, ये आर्क्स को कंट्रोल करने के लिए हैंडल्स आ गए, ठीक है, कर्व्स को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपने इस पे वर्क करना है आफ्टर एडिशन ऑफ एंकर तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना पड़ेगा। किसी एक पॉइंट को आप क्लिक कर सकते हो इस तरह, दो को भी कर सकते हो क्लिक पर ड्रैग करने से, ऐसे ये दो पॉइंट सिलेक्ट हो गए, ये देख रहे हो शेप, ये दो पॉइंट्स को करना है, ये लो इस पॉइंट को करना है, क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करते हो इसको पोजीशन भी कर सकते हो, ये देख रहे हो, जैसी आप शेप देना चाहो, डिजाइन की डिमांड हो आप उसको देख सकते हो, कोई ब्रोशर होता है, कोई फ्लायर होता है, उस पर अगर आप चाहो इसकी वैल्यूज के साथ एक अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये मैंने बनाया, ये बन गया, इसकी एक डुप्लीकेट निकालते हैं, ये डुप्लीकेट निकल आई, ठीक है। अब इसके बॉटम वाले जो रेक्टेंगल है उस पर मैंने क्लिक किया, इसका कलर चेंज कर दिया, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको करके दिखाया था, कलर आपने सेट कर दिया। अब इसको आप ड्रैग आउट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो और ड्रैग आउट कर लो, मूव करने के बाद ये मूव का टूल ऑन कर देना, ये देखो ये देख रहे हो ये ड्रैग आउट हो रहा है, क्योंकि ये उसके बिलो पड़ा हुआ है लेयर के, तो इसका मतलब है ये आपने जो भी बनाया है डिजाइन इसकी एक कॉपी निकालनी पड़ेगी, ऐसे कंट्रोल जे से भी निकाल सकते हो। और कॉपी निकालने के बाद आपने अपर की वैल्यू चेंज करनी है तो अपर पे क्लिक कर दो, लोअर की वैल्यू अगर आपने चेंज करनी है तो लोअर पे, आप लेयर पे क्लिक करने के बाद इसका कलर भी मैं अगेन दे देता हूं ब्लू, ठीक है, दे दिया। अब इसको आपने सिलेक्ट किए रखना है मूव टूल के साथ, और वो देखो ऊपर हाईलाइट हो गया, इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर दो, इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप इस तरह के आप डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हो जो दो लेयर्स के साथ, वो आप उसको चेक करना चाहो, सेट करना चाहो, ये कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जब इसको क्लिक किया ना और ये आपके पास हैंडल्स आ गए, इसको रोटेट करके इसको अपनी मर्जी से इस तरह की कर्व में भी इसको सेट किया जा सकता है, ये देख रहे हो ये साइड के ऊपर। टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं यहां से मूव कर देता हूं ताकि आप उसको अच्छे तरीके से देख सको, तो ये देख रहे हो आपने काम कैसे किया, आपने सिंपल शेप्स बनाई हैं और शेप्स के ऊपर आपने एंकर पॉइंट जहां जरूरत हो वहां ऐड करवा लो, और यूजिंग दिस टूल जिसका नाम डायरेक्ट सिलेक्शन है उस पर काम कर सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं होता रेक्टेंगल ही हो, अदर देन भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे ये देखो एक शेप बनाई, ठीक है, जो भी इसका आपने कलर देना है दे दो, अगर आपने इसकी कोई कॉर्नर्स को राउंड करना है आप राउंड कर लो, इसको आपने डिजाइन के तौर पे यहाँ पे आपने शो करवाना है मूव करके यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट कर दी। कलर इसका हम चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज कर देते हैं इसको, कलर को हम थोड़ा सा रेड शेड में आपको यहाँ पे शो कर देते हैं, इसकी कॉपी निकाल लो कंट्रोल जे से, कंट्रोल जे से कॉपी निकल आई है, फिर मूव टूल को क्लिक किया और ड्रैग कर दो इसमें से,
ठीक है, कंट्रोल जे अगेन, कॉपी निकल आई है, मूव टूल को सिलेक्ट करो और ड्रैग करके आप यहाँ पे पुट कर दो। इसका मतलब है कोई भी पेज अगर आपने रेडी करना हो, उसकी ग्राउंड सेट करनी हो, उसको एलिमेंट्स के साथ आपने और प्ले करना हो, तो बड़े अच्छे तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और बाकी जो आपका इसके अंदर डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं टेक्स्ट के वाले से, वो मैंने स्टार्ट अभी जो आज लेसन किया था वो मैंने टेक्स्ट से किया था। और टेक्स्ट को जब आप अगर चाहो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जस्ट इसकी प्लेसमेंट आपको रिक्वायर्ड है, चूंकि ये हेडिंग है और इसको टॉप पे रखना चाह रहे हो, ये बिल्कुल बिलो इसके चला गया है, इसके लिए तरीका ये होता है कि इसको सिलेक्ट करके आप मूव करके ऊपर ले आओ, अदरवाइज ये दिखेगा नहीं, सीधी सी बात, इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है। इसी तरह ये अगर आप इसको मूव करते हो और यहाँ पे लेके आ, तो दिखेगा नहीं, ये दिखेगा इसलिए नहीं कि ये आपका टेक्स्ट जो है वो बिलो लेयर पे पड़ा हुआ है। इसको अगेन मूव करके ऊपर ले आओ। बाकी इसके अंदर अगर आपने कोई इसका चेंज करना है, कलर चेंज करना है, इसकी वॉक की ऑप्शन डिफरेंट अप्लाई करनी है, आप करके देख सकते हो। ये मैंने एक बेसिक ग्राउंड एक सेट करने के लिए आज आपको बताया कि टेक्स्ट के ऊपर आपने कैसे काम करना है। और अगर आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो डिफरेंट डिज़ाइन लेयर्स के ऊपर, इसके हेडर पार्ट पे या फुटर पार्ट पे या साइड वाले पार्ट के ऊपर, तो किस तरह आपने डिफरेंट एलिमेंट्स को यहाँ से आपने निकाल करना है, पॉपुलेट करना है, और इसको आपने किस तरह विद दिस टूल जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इससे आप चेंज कर सकते हो शेप को। जैसे एक सर्कल है, ये आपको एक सर्कल है, अगर आपको कोई कहे कि इसको आप चेंज करना है, इसकी वैल्यूज को चेंज करना है, देखो डायरेक्ट जो ये जो आपके पास मूव टूल होता है, इससे सिर्फ मूव होता है, ज्यादा से ज्यादा इसकी हाइट और विड्थ कंट्रोल होगी, या इसको रोटेट कर लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आपने इसकी शेप को चेंज करना है रेगुलर शेप से, इसको पाथ में कन्वर्ट करना है, तो ये टूल आपको यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से आपके एंकर्स विजिबल हो जाएंगे, और इस एंकर्स के ऊपर अगर आपने किसी एक को क्लिक करोगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसे इसको करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसको करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर आप दो को करना चाह रहे हो, दो को इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब इससे होगा क्या, ये देखो, ये देख रहे हो एक एग की शक्ल आ गई, ये मैंगो की शक्ल चली गई, ये एग आ गया, ये मैंगो आ गया, ठीक है, और ये हार्ट बन गया। तो इसको मतलब है कि अगर आप इसको यूज करना चाहो, लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी आप शेप को रिलीज करते हो, वहीं भी आपको कह देता है कि ये एक शेप जो रेगुलर थी वो पाथ में कन्वर्ट होने लगी है। एक सर्कल था ना, सर्कल एक मैथमेटिकल शेप है, इसको एक पाथ में कन्वर्ट कर देगा जैसे ही यस करोगे। अब आपके पास ये अवेलेबल है, फर्दर अगर आप इस पे कोई एक्शन करना चाह रहे हो, ये पॉइंट्स के ऊपर आप यहां से कर सकते हो। जहां तक इसकी कर्व्स को कंट्रोल करने के लिए ये हैंडल मौजूद है, यहां से आप कर सकते हो, ये देखो इसको आप अपनी मर्जी से बेंडिंग वैल्यूज की कम ज्यादा आप जैसे आप करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं चाहिए, वेरी इजी वे टू डिलीट, सेलेक्ट करके यहां चले जाओ, ये लिखा हुआ है डिलीट एंकर पॉइंट, चार पॉइंट्स होते हैं, सर्कल हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए डिलीट कर, ये शेप कुछ इस तरह की बन गई थ्री एंकर्स के साथ। कौन हाफ आप करना है तो ये ऑलमोस्ट, देखो हाफ करने का तरीका क्या होगा, आप ये कहना चाह रहे हो कि सर्कल को हाफ करना, ठीक है, अच्छा ये अब सर्कल है, अब इसको हाफ करने के लिए आप क्या करोगे, ये पॉइंट लो, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, हाफ हो गया सर्कल। ठीक है, दोबारा से देखो मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट इस पॉइंट को क्लिक किया और क्लिक करने के बाद डिलीट कर दिया, डिलीट यहां से भी कर सकते हो, ये क्लिक करो,
आपने सर्कल बनाया एक सिंपल, ठीक है, सर्कल बनाने के बाद एलिप्स बनानी है, सर्कल बनाना है, जो भी आपने बनाना है, या सर्कल बनाना है तो आपको जो मैंने आपको की बताई थी इसमें शिफ्ट की आपने यूज करनी है, ठीक है, एग्जैक्टली सर्कल बनेगा। और सर्कल बनाने के बाद अगर आपने इसकी विड्थ हाइट को कंट्रोल करना है या आपके पास मूव का टूल मौजूद है, लेकिन अगर आपने इसको रीशेप करना है या जिस तरह आप कह रहे हो कि मुझे इसका हाफ सर्कल बनाना है, तो आपको इस एंकर पॉइंट को क्लिक करके इसको डिलीट करना है जस्ट। ठीक है, तो ये एक आपके पास, अगर 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 आपने इसको भी डिलीट करना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं, ये लो, ये आपका सिंपल आर्क बन गया है। फिल इसलिए नजर आ रहा है कि इसकी फिलिंग है, फिलिंग इसकी ऑफ कर दो, फिलिंग ऑफ कर देते हैं, ये लो, फिलिंग इसकी आप ऑफ कर दो। इसको सेलेक्ट कर लो, इसके चूंकि ये शेप है तो शेप की आप जाके यहाँ से फिलिंग ऑफ कर, ठीक है, ये आँख से नजर आएगी आपको, फिलिंग ऑफ कर दिया आपने। बाकी अगर इसकी प्रॉपर्टीज के साथ आप मजीद आप प्ले करना चाह रहे हो तो यू हैव टू सेलेक्ट सेम शेप, जो शेप टूल है, यहाँ से जाके आप इसके विड्थ वगैरह आर्च की कम ज़्यादा अगर आप करना चाहो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी सारे काम वही होंगे, सिर्फ ये है कि आपकी एक रेगुलर शेप जो सर्कल थी, एलिप्स था, रेक्टेंगल था, पॉलीगॉन था, अगर उसके ऊपर आप वर्क करना चाह रहे हो तो आपके पास टूल अवेलेबल है, अगर आप उसे यूज करके कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। ठीक है, ले जनाब, ये एक सिंपल सी आर्क ये आपके पास आ गई, इसके ऊपर फर्दर आप काम कर सकते हो, बहुत सारा काम हो सकता है। ठीक है, इसकी सेम डुप्लीकेट कॉपी करके इसको रोटेट भी कर सकते हो, और भी बहुत सारा, ये आपका सेंटर पॉइंट है, इसको मूव करके आप इसकी रोटेशन वैल्यू को कंट्रोल भी कर सकते हो। ये देखो, ये सेंटर पॉइंट आपका मैंने मूव करके यहाँ पे ले आया, सेंटर पॉइंट को आप अपनी मर्जी से रीलोकेट भी कर सकते हो, यहाँ पे रख दो, इसके अराउंड मूव होगा। ठीक है, ये आपका इसका रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, तो इसके थ्रू भी आप अगर कोई काम करना चाहो कर सकते हो, कोई शेप को इसके अराउंड रोटेट करना चाहो आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है जी, ये ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर वर्क हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन जिसके थ्रू आप इसको अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हो, जैसे कि पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन बनाते हैं, ठीक है, पॉलीगॉन की साइड्स कितनी लेनी है वो आपने डिसाइड करना होता है, यहाँ पे ये आपके पास साइड्स है, 5 लेनी है, 10 लेनी है, 50 लेनी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। अगर आपने इस पे ऊपर वर्क करना है तो ज्यादा से ज्यादा इससे जो मूव टूल है, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसकी कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं, ठीक है, या इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको रीशेप करना हो तो हमारे पास टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन, यहां से क्लिक करना है, एंकर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे और जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा ऐसे, और ये देखो। लेकिन ये आपको फौरन से पहले मैसेज देगा कि ये एक पाथ में कन्वर्ट होने लगा है, क्योंकि ये शेप तो रही नहीं, पॉलीगॉन तो रही नहीं, तो एक आपके पाथ में कन्वर्ट हो गई। तो यस जैसे करोगे, और अब इसमें आप इन एंकर्स के ऊपर वर्क कर सकते हो अगर आप चाहो तो, निकालना निकाल भी सकते हो इस पॉइंट को, अगर आपने डिलीट करोगे तो देखो आपका रिमेनिंग जो शेप है वो क्या बन जाएगी। लाजमी बात है, जब वो एंकर निकला तो इसने उसके प्रीवियस पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन कर दिया, अगर इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे और आखिर में एक लाइन रह जाएगी आपकी, इसको निकालेंगे एक पॉइंट रह जाएगा आपके पास, ये स्टार्टिंग क्लिक करो खत्म। इसका मतलब है कि आप कोई भी शेप बनाओ
अगर आप चाहो उसको अपनी मर्जी से चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो, और इसको करने के लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर्स की विजिबिलिटी हो जाती है, और अगर आप चाहो यहाँ पे मजीद ऐड करना है और इधर मजीद ऐड करना है, इसको चेंज शेप को आप उसी मुताबिक आप सेट करना चाह रहे हो, कोई मसला नहीं। आप ये 3 पॉइंट्स के बजाय 6 पॉइंट्स बनाना चाह रहे हो और उसके थ्रू एक शेप नहीं क्रिएट करना चाह रहे हो, कर सकते हो। ये देखो, क्लिक क्लिक और ये क्लिक, और अब आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां पे हैंडल्स आ जाएंगे, ये वाले, और ये हैंडल्स आपको कर्व्स में कन्वर्ट कर दिया इसने। ये देख रहे हो, कर्व्स में कन्वर्ट कर दिया इसको। और इसको अगर आप वापस करना चाह रहे हो, शार्प कॉर्नर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो ये है, क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट पॉइंट टूल शार्प एजेस में। ये देख रहे हो शार्प एजेस में। इसका मतलब है आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो क्लिक करने पे ये आपको इस पॉइंट के ऊपर शार्प एज करना है, या इसको आपने राउंड करना है। अगर राउंड करना चाह रहे हो, अगेन इस टूल को लो, यहां पे आगे क्लिक कर दो और इसको आप ड्रैग आउट कर दो। ये देख रहे हो, दोबारा से देखो क्या कर रहा हूं। ये टूल आपके दो काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एडिट शेप्स एंड पाथ बाय कन्वर्टिंग स्मूथ एंड कॉर्नर एंकर्स पॉइंट। स्मूथ करना है या कॉर्नर एंकर पॉइंट्स, ये देखो। अब ये चूंकि शार्प है पॉइंट्स, ठीक है, स्मूथ करने के लिए इस पर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग करना है, ठीक है, ऐसे इधर क्लिक करोगे और फिर ड्रैग करना है, ये स्मूथ एजेस कॉर्नर, और ये आप करने के लिए इस टूल को अप्लाई कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पॉइंट। ये देखो दोबारा से, स्मूथ होगा तो कॉर्नर्स में कन्वर्ट कर देगा, कॉर्नर्स होंगे तो स्मूथ कर देगा। ये एक शेप थी, क्या था ये, एक ट्राइंगल थी। ट्राइंगल के ऊपर आपने क्या किए, मजीद पॉइंट्स को ऐड किया। पॉइंट्स ऐड करने के बाद उसके ऊपर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज किया, और अगर आपने इसको दोबारा से इस पर वर्क करना है, एजेस को शार्प करना है या सॉफ्ट करना है, इसे स्मूथ भी बोलते हैं, तो ये आपके पास। तो इसका मतलब है आपको, मैंने आज की डेट में ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट पॉइंट टूल का इस्तेमाल आपको बता दिया। इसका मतलब है अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट जो इजाफी समझते हो खत्म करना हो, जस्ट ये, क्या ये वही शेप्स नहीं बन गई जो थी, ट्रायंगल, यही तो आपने बनाया था। और ऐड करने के लिए शेप को अपनी मर्जी से चेंज करने के लिए एंकर्स को ऐड भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ट्रायंगल के 3 एंकर पॉइंट्स होते हैं, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के 4-4 होते हैं, ठीक है, पॉलीगॉन के साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एंकर्स हैं। तो इन एंकर्स के ऊपर अगर कोई आपके पास कोई फालतू एंकर है, निकालना है, यू हैव टू यूज दिस वन। और ये देखो जैसे ये निकलेगा होगा क्या, लाने वो एक शेप जो क्लोज पाथ था वो ओपन हो गया, ओपन होते ही वो स्ट्रेट लाइन हो गई। तो इसका मतलब है अगर मैं आपको कहूं कि क्या इसके ऊपर कोई काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहां पे एक पॉइंट ऐड करवा लो। ये देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। और यहां से अगर आप चाहो, ये शेप में आ गया, ठीक है, और यहां से वापस मैंने क्या किया, ट्रायंगल से लाइन बनाई, लाइन से फिर ट्रायंगल बना के दिखा दी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक सिंपल शेप भी हो ना, सिंपल शेप मतलब लाइन भी लगी हो, जैसे कि ये लाइन लगाता हूं, कुछ भी नहीं है, एक लाइन लगाई, क्या इससे ट्रायंगल बन सकता है, क्या इससे रेक्टेंगल बन सकता है, क्या इससे ट्रायंगल अपना पॉलीगॉन बन सकता है, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, आपके पास टूल अवेलेबल है, आप उसे यूज करो, बन जाएगा। ये देखो एंकर ऐड कर दो, ये 2 पॉइंट ऐड कर दिए, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैंने एक्टिवेट किया और ये लाइन लगा दी, इधर इधर मैंने क्लिक किया, एक्टिवेट किया, ये लाइन लगा दी ऐसे, ठीक है, सॉरी,
और ये देखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट इधर जरूरत नहीं थी, इधर लगना था, ठीक है, ये मैंने गलत लगा दिया, कोई मसला नहीं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये लो जनाब, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से मैंने रेक्टेंगल बना दिया। लो जनाब, इतनी सी बात है, इसको क्या करना है, कन्वर्ट पॉइंट टूल, और ये एक आपके पास काइंड ऑफ रेक्टेंगल आपका यहाँ पे बन गया। ये आपके पास चूंकि कॉर्नर इसके राउंड था इसलिए इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, एक को खत्म कर दो, वेरी सिंपल। माइनस, ठीक है, इस तरह बताने का मकसद ये है कि कोई भी शेप हो उसको आप इन टूल्स के साथ रीशेप कर सकते हो। ये एंकर पॉइंट्स को ऐड करना, एंकर पॉइंट को डिलीट करना, एंकर पॉइंट को शार्प एज में कन्वर्ट करना या स्मूथ करना, ये आपके पास ये तीन तीन टूल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि आपने हॉरिजॉन्टल टाइप करना हो या वर्टिकल टाइप करना हो वो किया जा सकता है। उसके बाद मैंने वार्प टेक्स्ट के थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट, वो मैंने एक दो ऑप्शन सिर्फ डिस्कस किए हैं, आपने सारों को टेस्ट करना है खुद ही, ठीक है, सारे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है ये लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद टाइप टूल को आपने एक्टिवेट करना है, और फिर ये अवेलेबल हो जाता है जिससे आप इसको अपनी मर्जी से शेप अप कर सकते हो। यहाँ इसमें तो कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, या आप इनमें से कोई भी ले लीजिएगा, तो इसको आप यहाँ से बेंड और हॉरिजॉन्टल सिर्फ हॉरिजॉन्टल के रखिएगा, वर्टिकल और वर्टिकल के साथ रखिएगा। अगर आप इसको बिल्कुल इसके अलावा कुछ करते हैं तो वो आपको शेप ऐसी बन जाएगी जो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो बेंड, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन और वर्टिकल डिस्टॉर्शन के साथ टेक्स्ट के रेलिवेंट ये हो गया। और जहाँ तक शेप का ताल्लुक है, शेप मैंने आपको बनाना सिखाई, जो रेगुलर शेप्स हैं अगर उसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करके कोई डिज़ाइन इस तरह का क्रिएट करना चाह रहे हो, अपने ब्रोशर है कोई फ्लायर है उसके ऊपर आपने इस तरह की आर्क्स बनानी चाह रहे हो, तो ये आर्क्स बनाने के लिए बेहतर तरीका है कि आप एक रेगुलर शेप बनाओ, और रेगुलर शेप को फिर अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे आप कन्वर्ट करना चाहो आप कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दीज टूल्स, जिसका टूल का नाम है एड एंकर, डिलीट एंकर और कन्वर्ट पॉइंट एंकर। और साथ में ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, यूज करोगे आप इस टूल को जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको आपने यूज करना है, ठीक है। तो इससे आप आज के दिन में एक तो ये काम करना, और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको आज करवाना चाहूंगा वो ये कि अगर आप इसमें पिक्चर्स को लोड करना चाहो तो कैसे करते, पिक्चर्स भी होनी चाहिए ना, ब्रोशर वगैरह है कोई फ्लायर। हाँ, इसकी बात कर रहे हो, ये वाली, ये लाइंस में कन्वर्ट करना है, कोई मसला नहीं, आप इस शेप को क्लिक करो, यहाँ से शेप टूल को ले लो, यही है ना शेप, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा दो लाइन का, स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, स्ट्रोक इधर से होगा, लाइन का स्टाइल यहाँ से होगा, ये बीच की तरफ, किस जगह पे, हाँ बीच में, इसके अंदर वो फिर पैटर्न रखना पड़ेगा आपको, पैटर्न देना पड़ेगा, फिल में, फिल की बात कर रहे हो, रेड की बजाय आप पैटर्न उसका बनाओ। पैटर्न मैंने आपको याद है मैंने आपको ग्रेडियंट फिल करवाया उस दिन, मैंने जब फिल की ऑप्शन आपको डिस्कस की थी, ये वाली फिल में ये ऑप्शन हमने डिस्कस की थी, नन, नन से क्या होता है आपकी वैल्यूज जो हैं वो फिल में ऑफ हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपने सॉलिड कलर यहाँ से देते हो, जो भी कलर इसमें से लेना चाहो आप यहाँ से कलर, सॉलिड कलर, सिंगल कलर, आप यहाँ से इनमें से भी डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स हैं बने हुए कलर्स के पैनल्स, इनमें से आप ले सकते हो। अगर आपको टू कलर का यहाँ पे चाहिए, ग्रेडियंट जिसे बोलते हैं, मिनिमम टू कलर, तो ये आप यहाँ से ले सकते हो। और कलर्स के अंदर अगर आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो ये भी मैंने आपको बोला था, यहाँ से आप स्टार्ट और एंड कलर आप यहाँ से अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, ये ग्रेडियंट फिलिंग आपकी हो जाएगी, और ये हो गई है, ये ग्रेडियंट्स हैं। इसके अंदर इसकी डिवीजन को अगर कंट्रोल करना हो तो ये मैंने बोला था फिल में जाके इसको एडिट कर लेना, इसको आप एडिट कर सकते हो,
यहाँ से, और यहाँ पे आपको बाकायदा जो है वो ये यहाँ पे आपको दो कलर्स की ब्लेंडिंग नजर आ रही है, रेड से ब्लू की तरफ। अगर आप इसमें कोई और कलर इंट्रोड्यूस करवाना चाहो तो ये यहाँ पे क्लिक करने से वो कलर आ जाता है। ये ग्रेडियंट्स आप इसमें जितने भी रखना चाहो आप यहाँ पे रख सकते हो, जितने भी और नहीं चाहिए तो इसको मैंने बोला था ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ऐसे रखना है क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, जो जो कलर यहाँ पे चाहिए वो कलर्स बता दो डबल क्लिक करके, जो कलर्स चाहिए वो कलर्स आप बता दो। और वो जो आप कह रहे हो वो पैटर्न हो सकता है, जो आप कह रहे हो स्ट्रेट लाइंस का पैटर्न बनाना चाहो आप पैटर्न इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, पैटर्न आप अपना भी बना सकते हो। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ, ये तो आपके ग्रेडियंट्स आ गए ना डिफरेंट कलर्स का, आपका जो है वो उस शेप के अंदर वो डिफरेंट कलर्स का यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिए। लेकिन अगर आप चाहो इसके अंदर कोई पैटर्न रखना है, पैटर्न ये पैटर्न है, ये पैटर्न ट्रीज का पैटर्न, ग्रास का पैटर्न, वाटर का पैटर्न। अगर आपसे कोई कहे कि क्या यहाँ पे आप कोई पैटर्न ऐड भी कर सकते हो, ठीक है ये इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट पैटर्न्स भी होते हैं। और ये जो हमने एक वेबसाइट ओपन की थी ना शेप्स वाली, उसमें पैटर्न भी थे, देख लें एक दफा पैटर्न। और अगर आपने अपना पैटर्न बनाना हो तो पैटर्न अपना कैसे बनता है, ये देख रहे हो ऑप्शन डिफाइन पैटर्न, इसका मतलब है आप आपकी रिक्वायरमेंट है आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी है सिर्फ पैटर्न के तौर पे आप बना सकते हो, ठीक है अपना पैटर्न भी आप क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपने बने बनाए पैटर्न इंपोर्ट करने हैं, देखो ये पैटर्न बड़े लिमिटेड से होते हैं, अगर आप फोटोशॉप में देखो फिल्म में ये पैटर्न जो है ये जस्ट आपके पास ट्रीज हैं, ग्रास है, वाटर है, बस इससे ज्यादा पैटर्न नहीं है, सारे मिला जुला के कोई 8-10 पैटर्न होंगे। अगर आपको कहा जाए इसके अलावा भी कोई पैटर्न हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इंपोर्ट किए जा सकते हैं। जैसे शेप्स होती हैं, शेप्स भी तो कल मैंने इंपोर्ट करना सिखाई थी ना जो शेप्स में आ जाती है, पैटर्न भी आप अपने इंपोर्ट कर सकते हो। अच्छा इसके लिए अब ये काम करते हैं, लगे हाथ में पैटर्न की भी आपको इसका दिखा देता हूं, ये पैटर्न है, ये दिख रहे हैं पैटर्न कितने सारे जबरदस्त किस्म के, ये सारे पैटर्न हैं, एनिमल्स के पैटर्न भी नजर आ रहे हैं, ठीक है ये ट्रीज के पैटर्न भी नजर आ रहे हैं, ये आपके क्लोथिंग गारमेंट्स वगैरह के पैटर्न हैं, ये आपके एनिमल्स के हैं, और ये आपके डिफरेंट कौन सा कहते हो, कौन सा मैं डाउनलोड कर दूं, कोई सा कर लें, ठीक है तो चलें ये पैटर्न डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा शेप्स डाउनलोड होती हैं पैटर्न भी डाउनलोड होते हैं, और पैटर्न आप खुद भी बना सकते हो। अगला हमने एक काम करना होगा कि पैटर्न जो कि बड़े लिमिटेड से एंट्रीज और वाटर उसमें अब ये ऐड होने लगा, देख लेते हैं शेप्स हमने ऐड करनी सीख ली थी, आज पैटर्न भी ऐड करना सीख लेते हैं। तरीका वही है, डाउनलोड एक्सट्रैक्ट पैटर्न की लिस्ट ये फोल्डर, और ये देखो पैटर्न, इसको जरा एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे ताकि अवेलेबल हो जाए लिस्ट में, अभी नहीं है, अभी यहाँ नहीं है, ठीक है इसको हम लेके आते हैं, डाउनलोड, डाउनलोड में ये पैटर्न्स ये आ गए, वो देखो चौथा भी आ गया। वैसे जब आप फोटोशॉप में काम करोगे ना तीन ही मिलेंगे आपको, पर याद है ये वही पैटर्न है जो एडिट में फिल्म में नजर आए थे, वहां पे भी तो ये पैटर्न थे, ठीक है यहाँ से अगर आप करना हो फिल्म ये भी ठीक है, और ये आपके पास पैटर्न आ गए, और क्लिक करते ही वो आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है पैटर्न आपके इसके अंदर, वो पैटर्न उसे फिल कर दिए, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर पैटर्न उसने फिल करके आपको दिखा रहा है, ठीक है जी। तो ये हम
इसको अगर मिसाल के तौर पे कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट में अगर आपको पैटर्न की फिलिंग चाहिए तो पैटर्न की फिलिंग यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ चले जाओ, पैटर्न में चले जाओ और ये पैटर्न आप यहाँ से क्लिक कर दो, ये पैटर्न उसके अंदर आ गया। ये पैटर्न का साइज कंट्रोल करना है। देखो ये आप पैटर्न का साइज जो वो कंट्रोल नहीं होगा यहाँ पे, कैसे? स्केल से, एक तो ये है ना, स्केल कर लो, ठीक है। डिजाइन चेंज नहीं होगा, डिजाइन वही रहेगा। टाइल्स का साइज, हाँ बस यही होगा, ये यहाँ से कर लो। जब साइज बड़ा करोगे, स्केल अप करोगे, तो आदमी ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से उसको वो उसके अंदर मैनेज कर रहा होगा। और ज्यादा से ज्यादा या तो ये कर सकते हैं, टाइलिंग का साइज सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पैटर्न आप खुद बना सकते हो, ये जो आपको इस वक्त पैटर्न नजर आ रहा है ना, ये आप खुद भी बना सकते हो। कैनवस के ऊपर एक पैटर्न बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाने के बाद उसको डिफाइन कर दो एडिट में जाके, पैटर्न में कहते हो तो मैं आपको एक पैटर्न भी बनाना सिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि पैटर्न से रेलेवेंट अगर आपके कोई कन्फ्यूजन हैं दूर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ, फोटोशॉप में बने बनाए पैटर्न हैं, तीन होते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहिए तो डाउनलोड कर लो, इम्पोर्ट कर लो। तीसरा तरीका कि आप अपना पैटर्न, अगर आप समझ तो ये इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, आपने अपना पैटर्न ऐड करना है, वो भी किया जा सकता है, जैसे अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बाकी जहाँ तक उसके अंदर चेंजेस का ताल्लुक है बने बनाए पैटर्न में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्केलिंग के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हो, या एंगल वाइज को रोटेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये एंगल वाइज उसको रोटेट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, बाय डिफॉल्ट ये जीरो होता है स्ट्रेट, इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर लीजिएगा, जिस तरह की जरूरत हो आप उसके अंदर फिलिंग में वो रख देता है। अच्छा, ये सिर्फ फिलिंग में ही नहीं होता, ये स्ट्रोक में भी है, पैटर्न स्ट्रोक में भी है अगर आप चाहो तो। जैसे ये स्ट्रोक की वैल्यू हाई कर दी, ये आ गया ना स्ट्रोक, स्ट्रोक का कलर सॉलिड है, दे दो जो कलर देना है आप दे दो, कलर आपका स्ट्रोक में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो ग्रेडियंट डालना, स्ट्रोक में ग्रेडियंट भी है, ये देखो टू कलर्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। और अगर आपने पैटर्न डालना है, पैटर्न भी डाल सकते हो, ये पैटर्न है। इसका मतलब है कि फिल में करना हो तब भी ये चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और स्ट्रोक में अगर करना हो तब भी ये चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ट्रीज वाला पैटर्न लग गया, ये देखिए वाटर वाला पैटर्न लग गया, ये आपकी मर्जी है कि जो पैटर्न है और या वो जो आपका स्ट्रोक है, स्ट्रोक में या फिल में, चारों ऑप्शंस उसी तरह अवेलेबल हैं जिस तरह आपकी फिल में है वो स्ट्रोक में भी है। जस्ट आपने स्ट्रोक के बटन पे क्लिक करके कलर्स को यहाँ से आप नन भी कर सकते हो, स्ट्रोक अगर नहीं चाहिए ऑफ कर दो, सॉलिड कलर चाहिए ले लो, ग्रेडियंट चाहिए ले लो, और पैटर्न चाहिए तो ये आप यहाँ से ले सकते हो। और जनाब अगर आपने पैटर्न बनाना हो जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको यूज करना तो आ गया आपको, जो नहीं थे डाउनलोड करना भी आ गया आपको। अगर डाउनलोड में भी आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो आप अपना पैटर्न खुद भी बना सकते हो। जैसे अभी वो मिस कह रही थी कि कोई इसमें हमने लगानी है लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है, वर्टिकल लाइन लगानी है, ये कुछ भी बना के आपने इसको पैटर्न में शो करवाना है। अभी मैं इसी कैनवस के ऊपर उस पैटर्न को अभी आपके साथ लेके यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं और हम ले लेते हैं 100x100 पिक्सल का एक स्क्वायर बॉक्स, 100x100 पिक्सल का एक स्क्वायर बॉक्स, एक हम पैटर्न जो है सिमेट्रिकल एक पैटर्न बनाना चाह रहे हैं 100x100। कैनवस का साइज मैंने क्या कर दिया, 100x100। इसको प्रीसेट में जाके नाम दे दो 100x100 या जो भी नाम देना है, ये साइज सेट हो जाएगा।
सेव मतलब फाइल को, हाँ तो फाइल सेव कर दो, फाइल सेव जिस तरह फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है, हाँ बिल्कुल। देखो ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो साइज जो आपने 100x100 इसको आप फ्यूचर में यूज करना चाह रहे हो साइज को, तो ये यहाँ पे दे दो, ये यहाँ पे डालो, सेव कर दो। सेव कर दो, ये लो, ये सेव में आ गया, ये आ गया। फ्यूचर में मतलब आज एक पैटर्न बना रहा हूँ, कल एक और बनाना है, बार बार आगे 100x100 करने की जरूरत नहीं, सेव की लिस्ट में चले जाओ, यहाँ पे बना बनाया साइज कैनवस का ये अवेलेबल था, इसको हाँ ये लो, पैटर्न बनाए, अब ये पैटर्न बनाते हैं, एक काम करते हैं, ये अभी तक मैंने वैसे करवाया नहीं आपको, ये सिंगल रो मार्की टूल होता है, सिंगल रो मार्की टूल होता है, ये असल में एक रो को सिलेक्ट करता है, ये देख रहे हो, एक पिक्सल रो को सिलेक्ट कर लिया, कितने पिक्सल रो है 100, ये क्या है 100 पिक्सल है ना, मैंने आप हाइट कितनी बताई इसकी 100 बताई ना, और विड्थ भी कितनी बताई 100, अगर आपने इसको सिलेक्ट करना ना एरिया को, ये कॉलम वाइज सिलेक्ट करना हो, ये कॉलम वाइज सिलेक्ट होने लगा, ये देखो सिलेक्शन हो रही है सिंगल, इसका मतलब ये कितने कॉलम है पिक्सल्स के 100, और हॉरिजॉन्टल भी कितने हैं 100, क्योंकि आपने 100x100 का कहा है, ठीक है। अब ये देखो इसमें मैं करने के लगा हूं, आपको यहां पे स्ट्रेट लाइंस लगानी है थोड़े थोड़े फासले पे, ठीक कोई मसला ही नहीं, किस कलर की लगानी है, ब्लैक कलर की लगा दूं डिफॉल्ट, ठीक है। अब ये देखो पहले तो आपको इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, अब ये देखो एक मैंने सिलेक्ट कर लिया, दूसरा थोड़े फासले के ऊपर शिफ्ट के साथ कर रहा हूं, शिफ्ट के साथ, 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 ज्यादा कम मैं अभी रफली कर रहा हूं, इसको जरा आप तरीके से कर लेना, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, आपको पता है आप अपने कैनवस के ऊपर कलर दे सकते थे, कैनवस के ऊपर कलर दे सकते हो, इस वक्त कैनवस का कलर क्या है व्हाइट, क्या ब्लैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपको आता है करना, ऑल कंट्रोल कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल बैक स्पेस का कॉम्बिनेशन में बोल बताया था, यहाँ क्या करोगे एरेड में, यहां से भी कर सकते हो, पता है ना इन दोनों ऑप्शंस का। अच्छा अगर मैं इस वक्त इसका फोरग्राउंड को फिल करता हूं, फिल होगा लेकिन उस एरिया में होगा जो एक्टिव एरिया है, जो सिलेक्टेड एरिया है, पूरे पे नहीं होगा, करूं ये देखो, सिलेक्शन हुई भी है, सिलेक्शन अगर हुई हो ना तो सिलेक्ट मेन्यू में डीसिलेक्ट करने के लिए क्या है कंट्रोल डी, ये याद कर लो, कंट्रोल डी इतने की दफा इस्तेमाल करना है आपने, इतनी दफा इस्तेमाल करना है फोटोशॉप में, ये वैसे ही याद हो जाएगा, कंट्रोल डी डीसिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी, ये देखो कंट्रोल डी, ये देख रहे हो, इसको सेव कर लो, पैटर्न बन जाएगा। सिलेक्ट कैसे करना है, सारे को सिलेक्ट करो, ये क्या लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए, ये क्या लिखा हुआ है, इसका पैटर्न बना दो, क्या नाम दे दो, हॉरिजॉन्टल लाइन पैटर्न, बस इतनी सी बात है, इसका मतलब कुछ भी बना के क्रिएट करके उसको भी पैटर्न के तौर पे आप स्टार्ट अपना फिल करवा सकते हैं। ओके अब आ जाओ वापस अपने यहाँ पे डिजाइन में जो आप बना रहे थे, ये वाला इसके अंदर फिल करना है, सिलेक्ट कर लो इसको, सिलेक्ट कर लिया, शेप में जाओ, फिल में जाओ, फिल में जाके वो पैटर्न आपका आ गया ये,
देख रहे हैं ये लाइन वाला पैटर्न है, एंगल आपने यहां सेट कर लेना जिस एंगल पे ड्रॉ करना चाह रहे हो। जीरो कर दूं, यही है ना पैटर्न, वो उसका असल में एंगल की वैल्यू हमने चेंज की थी इसलिए वो ऐसे दिखा रहा था लाइन क्या। हाँ स्केल से ये देखो, ये देख रहे हो ये पैटर्न आपको दिख रहा है। जो आपने पैटर्न बनाया है इसका मतलब आप अगर अच्छा हो कुछ भी डिजाइन बना के उसको एज ए पैटर्न डिफाइन कर दो। मैंने जैसे बनाया कुछ भी बना दो, कुछ भी बना के उसको एज ए पैटर्न आप डिफाइन कर दो। कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ का मतलब कुछ भी। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हो तो मैं एक और ड्रॉ कर लेते हैं, एक और पैटर्न बनाते हैं। न्यू में जाना है और न्यू में जाके साइज हम कर लेते हैं 600x600 pixels का, मतलब जितना मुनासिब आपने पैटर्न की रेपिटेशन चाह रहे हो साइज के हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा। 600x600 pixel का एक पैटर्न हम बना लेते हैं, सॉरी कैनवस बना लेते हैं और कैनवस के ऊपर एक पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास एक कैनवस है, ठीक है, इस पे आप कुछ भी बना सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने सर्कल ही बना लो, ठीक है, और सर्कल के ऊपर ये जी जनाब कलर डाल देते हैं इसके अंदर, जस्ट ये लें जनाब, इसी सेम कॉपी निकाल लेते हैं ऑल के साथ, ऑल के साथ सेम कॉपी निकल आती है, ठीक है। ये जनाब इसको एज ए पैटर्न आप स्टोर करना चाह रहे हो, स्टोर कर लेते हैं कंट्रोल ए। सबसे पहले सिलेक्शन मस्ट है, सारे को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर की भूल जाए टेंशन नहीं लेनी, सेलेक्ट में जाना है और यहां से कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, देन एडिट, एडिट में क्या डिफाइन पैटर्न, और इसका हम नाम रख देते हैं मैन मॉडल, चलो जो भी नाम देना। और इसको अगर आप चाहो इस की स्ट्रोक में या इसकी फिल में पैटर्न को यूज कर सकते, सेलेक्ट कर लो, शेप को सेलेक्ट करना पड़ेगा अदरवाइज प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। प्रॉपर्टीज जब आ जाएं तो इसके फिल में चले जाओ और ये आ गया जी। बाकी यहां स्केल डाउन कर लीजिएगा, देख रहे हो, क्योंकि वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो वो आपको पिक्सलेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहां से आप इसको अपनी मर्जी से स्केल अप आप करके देख सकते हो पैटर्न। इसका मतलब ये हुआ पैटर्न जो है वो आप जो ऑलरेडी जो बने हुए हैं उन्हीं में रहना चाह रहे हो रहो। अगर आपको इसके अलावा कोई पैटर्न चाहिए इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, वो भी नहीं चाहिए, आपने खुद बनाना है, एक कैनवस साइज डिक्लेयर करो उस पर बना दो जो भी बनाना है, और बनाने के बाद सेलेक्ट करके उसको एडिट में डिफाइन पैटर्न में नाम शाम जो भी मुनासिब सा रख दो वो पैटर्न की लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और इसको फिर आप अपनी मर्जी से जहां पे इस्तेमाल करना चाहो वो आप कर सकते हो। अब वो तो जरूरत नहीं पड़ती, पैटर्न आपके बने बनाए होते हैं, आप उनमें से किसी को आप यूज कर लो अपने डिजाइन में, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े तो पिक्चर भी कन्वर्ट हो जाती है पैटर्न। इधर अटेम्प्ट करके देखिएगा, हो जाएगी, हो जाएगी पैटर्न, वो इमेज ही है ना, उसको सिलेक्ट करके पैटर्न में डाल दो। अच्छा आज जाने से पहले जो इम्पोर्टेंट काम और हमें रिक्वायर्ड है, जब आप कोई बनाओगे अपना डिज़ाइन तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन में ज़रूरत पड़ती है बाज़ औक़ात इमेजेस को लोड करने की, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर मैं यहाँ पे अपने जो भी मेरा करंट कैनवस है, कोई आपका फास्ट फूड का रेस्टोरेंट का पोस्टर भी हो सकता है, कोई बुक का टाइटल पेज भी हो सकता है, कोई आपके पास डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो उससे रेलेवेंट आप इमेजेस यहाँ पे लोड करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। इमेजेस किस तरह लोड होते हैं आपके किसी क्लोज पाथ के अंदर, इमेज याद रखना क्लोज पाथ में लोड होता है, ओपन पाथ में नहीं होता। ओपन पाथ का मतलब अगर मिसाल के तौर पर ओपन पाथ होता गया, ये ओपन पाथ है, बनाने लगा हूँ, ये देखो
ये ऊपर बात है, पेन टूल से बना दिया मैंने, स्केप कर देता हूं, फिल इसकी ऑफ कर देता हूं, ये फिल की वजह से आपको दिख रहा है, ठीक है इसकी। तो आपने सिंपल जब कभी कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट के इनसाइड अगर आपको कोई शेप को पुट करना है, कोई इमेज को पुट करना है, इसका तरीका क्या है स्टूडेंट्स? इसका तरीका ये है कि आप उस इमेज को ले आओ। मिसाल के तौर पे हम एक शॉपिंग का पेज बना रहे हैं या पिज्जा का एक पेज बना रहे हैं, ठीक है, पिज्जा की यहाँ पे उसका एक पेज बना रहे हैं। और ये जी जनाब, अच्छा अगर आप चाहो ना इस शेप के अंदर लोड करना इमेज, इसमें भी हो जाएगा, इस शेप में लोड करना इमेज हो जाएगा, ये नीचे वाले इसमें, इस सर्कल में, इस रेक्टेंगल में, जहां आप चाहोगे इमेज लोड हो जाएगा। इस क्लोज पाथ के अंदर इमेज लोड करने का तरीका क्या होता है? आपको जस्ट इमेजेस को लेके आना है, प्लेस करवा लेना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना जैसे आप पसंद करो। चले मैं इधर चलते हैं, ये इमेजेस देखते हैं मेरे पास अगर पड़े हुए हैं, इमेजेस अगर मेरे पास पड़े हुए हैं तो उसको मैं जस्ट डी ड्राइव पे गया, इमेजेस की कलेक्शन डाउनलोड कर लीजिए। ये इमेजेस मैंने, ये जो आपको चार पांच वेबसाइट बताई ना, वहीं से डाउनलोड किए हैं, आप वहीं से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और डाउनलोड करके इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये इमेजेस पड़े हैं, ठीक है, काफी सारे, जो इमेज आपको इसमें से चाहिए वो ले जाओ। ड्रैग करो या ड्रॉप कर दो, ये इमेज आ गया, ठीक है। अब इस इमेज को आपने ये बॉटम वाला जो ग्रीन, बॉटम वाला जो ग्रीन ये आपको रेक्टेंगल है, इसके अंदर पुट करना है या ये सर्कल के अंदर पुट करना है, आपकी मर्जी, जिसमें कहोगे उसमें हम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका फार्मूला याद रखना, आप इसमें पहले इंसर्ट कर लेना, ये आ गया, ठीक है, टिक करके ये आपका यहाँ पे एम्बेड हो गया, यहाँ पे आ गया। अब आपने इसको किसके इनसाइड पुट करना है, उस शेप के पीछे ले जाओ इसको, जिसके इनसाइड पुट करना है उसके हाँ बैक साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये शेप है, ये चेक कर लो, सर्कल है ना वो पीछे वाला, दिख रहा है ना, ये ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ आपको, और ये आपका वो इमेज है जो ऊपर मैंने अभी रखा है, ठीक है। इस इमेज को आपने क्लिक करना है, और करने के बाद नीचे वो शेप होनी चाहिए जिसके अंदर आपने उसको कैप्चर करना है, इसे बोलते हैं क्लिप करना। क्या करना है? क्लिप करना। क्लिप करने के लिए देखो, आसान सा फार्मूला, बहुत आसान सा, मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आओ, ऑल्ट के साथ दरमियान में इनके एक एरो आएगा ऐसे करके, डाउन एरो ऑल्ट के साथ आएगा, छोड़ दोगे तो ये एरो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपने इस लेयर को क्लिक करना है जहां इमेज है, और उस लेयर को ऊपर रखना है जिसके अंदर उसको कंटेन करवाना है, तो ये आपने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे क्लिक नहीं करना बल्कि ऑल्ट के साथ एक एरो आएगा उधर क्लिक कर देना, इमेज उसके इनसाइड क्लिप हो गया, ये देख रहे हो इमेज उसके इनसाइड क्लिप हो गया। और अगर आप कहो क्या इसका साइज वाइज मेंटेन किया जा सकता है, बिल्कुल, आपने इधर ही क्लिक करना है इमेज के ऊपर, हैंडल नजर आएंगे साइड पे, अगर मैं क्लिक करता हूँ हैंडल खत्म हो गया, देखो साइड पे क्लिक करता हूँ कुछ नहीं नजर आ रहा। अगर आपसे कोई कहे कि ये इमेज जो आपको नजर आ रहा है इसका साइज वाइज थोड़ा छोटा हो करना है या मूव करना है दाएं बाएं ऊपर नीचे लेके जाना है साइज करना है, मसला ही कोई नहीं, आप इस इमेज पे क्लिक कर दो, हैंडल आ गए, हैंडल को आप यहाँ पे आ जाओ और शिफ्ट ऑल्ट के साथ छोटा कर दो, मूव करना है, ये लो इमेज आपका इनसाइड दैट शेप
वो पुट कर दिया। अगर आप बड़ा करोगे तो लाजमी जितना दिखा पाएगा बाकी नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। अनटिल आप इस शेप का साइज सेट करो, शेप का साइज सेट करोगे फिर, ठीक है ना, शेप को आप रिसाइज कर सकते हो। शेप को आपको पता है ये टूल है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन, इससे भी तो आप काम कर सकते हो कि नहीं, ये देखो हो रही है ना शेप चेंज, जितना का दिखाना चाह रहे हो, जिस एंगल से दिखाना चाह रहे हो आप दिखा सकते हो, ये लो उतना के दिखेगा जितना है इसके अंदर, शेप के अंदर, ये लो साइड पे क्लिक कर दो, ये लो आप उस शेप के हिसाब से उसकी वैल्यूज जितनी दिखा पाएगा कैप्चर की भी वो दिखा रहा है, ठीक है। और इस तरह आप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये कहा जाए कि ये शेप है, नीचे एक ग्रीन रेक्टेंगल है जिसको आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से रीशेप किया था, कर्व्स वगैरह आपने निकाली थी, इसके अंदर अगर आपको इमेज को प्लेस करना हो तो सबसे पहले इसको आपने देख लिया ये पड़ा हुआ है रेक्टेंगल, इसका मतलब है जब आपने इमेज लेके आना है जिसके अंदर प्लेस करना है, इसके ऊपर रखना है, इस लेयर के ऊपर होना चाहिए, तो लेके आते हैं जरा। ठीक है, चूंकि मैंने क्लिक किया हुआ था इसलिए इसके ऊपर ही आया, अगर क्लिक ना किया हो तो आपको पता है जो भी नई चीज आती है वो टॉप पे होती है, चाहे वो सर्कल हो, कोई शेप हो या कोई इमेज हो, वो कहाँ आती है, बाय डिफॉल्ट टॉप पे, यहाँ पे, फिर उसको मैं ड्रैग करके नीचे लाना पड़ता। इसका तरीका स्टूडेंट्स क्या है, जिस लेयर के अंदर आप उसको इनसाइड क्लिप करवाना चाह रहे हो ना, उस लेयर को पहले क्लिक कर देना, जब आप लेके आओगे कैप्चर करके ड्रॉप करोगे ऑटोमेटिकली इस लेयर से ऊपर ही आएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वरना अरेंजमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी, तो ये आपने थोड़ा सा एहतियात से काम लेना है। अगला काम तो मसला ही कोई नहीं है, आप अपने इमेजेस को जिस साइज में जैसे रखना चाह रहे हो, जैसे रखना चाह रहे हो आप यहाँ पे ले आओ, और लाने के बाद इसके अंदर आप उसे क्लिप करवा दो। क्लिप करवाने का अदर वे क्या हो सकता है, आप इसको सिलेक्ट करो स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्लिपिंग मास्क देखो है इसमें ऑप्शन क्रिएट क्लिपिंग मास्क लिखा हुआ है किधर, वेक्टर मास्क के नीचे ये ऊपर ऊपर ये इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल जी, इससे भी वही काम होगा। शॉर्टकट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, इधर आने की क्या जरूरत है, जब एक काम आपको हो रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिस होती है स्टूडेंट्स की, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे आपको वो कीज इसीलिए रखी जाती है ताकि काम फास्ट हो, क्विक क्विक हो, क्विकली आप उसे काम कर सको, बजाय मैन्यू में ढूंढते फिरो, जैसे मैं मुझे नहीं नजर आ रही थी, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की याद कर लो, ऑल्ट कंट्रोल जी भी कर सकते हो, एक क्लिप इनसाइड हो गया, देख रहे हो ऑब्जेक्ट आपके उसके इनसाइड आ गया। अगर आपको उसको रिसाइज रिक्वायर्ड हो, साइजिंग करनी है, ये वो करना है, वो मसला कोई नहीं है, आप कल को भी कर सकते हो, अगले रोज भी कर सकते हो, जस्ट आपने अपने इमेज को क्लिक करना है। हैंडल्स अगर नजर ना आ रहे हो तो ये मैंने आपको बोला था प्रेफरेंसेस में जाके रेफरेंस पॉइंट्स को ऑन कर लेना, तो बाउंडिंग बॉक्स वहां पे नजर आ जाएंगे, और आने के बाद इसको आप अपनी शिफ्टिंग प्लेसमेंट जैसे आप मुनासिब समझो इस फ्रेम के अंदर आप उसको दिखा सकते हो, जैसे आप मुनासिब समझो उसको आप यहाँ पे साइज वाइज का करके दिखा सकते हो। हाँ जो दिल करता है बिल्कुल फ्लिप कर लो, इसको आप इधर का उधर कर लो हैंडल से पकड़ के ऐसे, उल्टा दो, वर्टिकल फ्लिप कर लो, हॉरिजॉन्टल कर लो, रोटेट करना रोटेट कर लो, ये जिस तरह एक इमेज होता है। अब सिर्फ फर्क इसमें और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या था, वो आपका एज ए ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था जो किसी के अंदर कंटेन नहीं कर रहा था, अब वो कंटेन कर रहा है एक शेप के अंदर, जो भी शेप हो आपने बनाई हुई उसके अंदर वो उसको प्लेस करके दिखा रहा है। तो इस तरह आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहो, यूज करना चाहो, इजीली कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे चिकन सैंडविच आपने लिखना है इस सरफेस के ऊपर, पाथ के ऊपर, क्या करें, ठीक सिलेक्ट कर लें इसको, टाइप टूल ले लें, ये वाला
ले लिया। अब अगर तो देखो इसके इनसाइड क्लिक किया ना, यहां टेक्स्ट आ जाएगा, ये देखो टेक्स्ट आ गया, देख रहे हो टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया उस फ्रेम के अंदर। अंडू कर देते हैं। आपने क्या करना है, टाइप टूल, ये देखो आपके पास जो भी टेक्स्ट आप ओवर द शेप या पाथ से बोलते हैं, तो पाथ के ऊपर आपने लिखना हो, मसला ही कोई नहीं है। जैसे ये एक पाथ है, एक सॉरी एक बेसिक सी शेप है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, ये देखो, और आपसे कहा जाए इस पाथ के ऊपर आपने इसके ऊपर टेक्स्ट राइट करना है, इशू ही कोई नहीं। फिल अगर आपने रखनी है रखो, ऑफ करनी ऑफ कर दो, तो सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस बात के ऊपर भी तो टेक्स्ट लिखा जा सकता है, ये लिखा गया टेक्स्ट उस शेप के ऊपर आ गया, और ये टेम्पलेट आ गया टेक्स्ट। इसमें जो भी आपने लिखना है वो आप यहां पे लिख सकते हो, ये देख रहे हो टेक्स्ट उस सरफेस के ऊपर आ गया, ठीक है। क्या चीज, ये टाइप का टूल यूज किया, ये देखो कुछ भी आपने बनाया हो, कुछ भी आपने बनाया हो, उसको बनाने के बाद अगर आपसे कहा जाए इसके ऊपर आपने कोई टाइपिंग रिक्वायर्ड है, इससे सरफेस के ऊपर, इस पाथ के ऊपर इजिली कर सकते हो। ये देखो ये दोनों लेयर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से देख लीजिएगा। आपने जो भी शेप बना रखी है, अगर आप चाहो इसको एज ए टाइपिंग के लिए पाथ के तौर पे इसको आपने प्लेसमेंट करनी है, कर लो। यहां तक कि ये आप पॉलीगॉन पे भी कर सकते हो। ये पॉलीगॉन लिया, पॉलीगॉन ड्रॉ किया, शेप के साथ करोगे सारी साइड्स बराबर होंगी, और ये आपके 5 साइड्स का फिगर है, और इसके ऊपर अगर आप कोई टेक्स्ट को राइट करना चाहो कर सकते हो। रेगुलर जो इसका पॉलीगॉन है इसमें भी कर सकते हो, अगर इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड हैं आपको पता है अवेलेबल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये लो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जनाब, अगर आप चाहो इसकी शेप को आप चेंज कर लो, जैसे मैंने ये किया, जैसे मैंने ये किया, एक शेप बनी हुई है। अगर आप इसके ऊपर कोई लिखना चाहो, राइट करना चाहो टेक्स्ट, वेरी इजी वे टू डू, जस्ट सेलेक्ट करो, टाइप टूल ले लो, टाइप टूल को ला के इसके पाथ के ऊपर सरफेस के ऊपर जाके क्लिक कर दो। जब जिगजैग लाइन आए, यहां ना कर देना, यहां पे एक अलग से टाइटल बना हुआ, अलग से इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप चाह रहे हो इसके साथ कनेक्ट करना शेप के साथ, दो चीजें हो सकती है इस शेप के साथ, या इस शेप के इनसाइड टेक्स्ट लिखा जा सकता है, या इसके सरफेस के ऊपर लिखा जा सकता है। इनसाइड लिखने का इंतजार करो जब ये शेप आ जाए, राउंड वाली लिख दूं, क्लिक कर दूं, ये लो शेप के ऊपर आ गया ना, शेप के इनसाइड टेक्स्ट आ गया। बाकी इसका साइज वाइज छोटा मोटा करना है, यहां से कर लो उस शेप के मुताबिक। दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा, कैंसिल करने लगा, ये कैंसिल, दोबारा से देखो। जब आप टाइप टूल को सिलेक्ट करते हो, आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक ये ऑप्शन है कि आप इसके अंदर लिखना चाह रहे हो, शेप के इनसाइड लिखना चाह रहे हो, या आप इस शेप के जो शेप है इसके पाथ के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर लिखना चाह रहे हो। सरफेस पे लिखना हो तो इसकी आपने पाथ को टच करना है, ऐसे जैसे जिगजैग लाइन आएगी क्लिक कर दो, टेक्स्ट आ गया, बस इतना सा फर्क है कि टेक्स्ट आपका उसके लॉन्ग उसने वहां पे राइट क्या करना, टेक्स्ट को। अब ये देखो मैम एक चीज, आपने मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना था लिख दिया, मैंने लिखा जी फास्ट फूड चेन इन जौहर टाउन, जो भी लिख रहे हैं टेक्स्ट वगैरह। अच्छा बाल का आप कहते हो, फिर इसको मैंने थोड़ा सा इसकी जो ऊपर वाली ट्राइंगल है उसके अलॉन्ग मैंने इसको पुट करना है, इसको मतलब मूव करना है पाथ के ऊपर, मैंने इसको इसको थोड़ा सा पुश करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपको उस दिन भी बोला था ये टूल होता है,
सर्कल हो, ट्रायंगल हो, पॉलीगॉन हो, रेक्टेंगल हो, टेक्स्ट को अगर आपने मैनिपुलेट करना ओवर द सरफेस तो ये ऐसे होता है। ये देख रहे हो छोटे से एरो नजर आएंगे स्टार्ट में ये, ठीक है, और इसी तरह एंड पे जब जाओ ये सेंटर में आओ तो भी, अगर मैं इसको क्लिक कर ड्रैग करूंगा ना इनसाइड, ये देखो टेक्स्ट इनसाइड आ गया, बाहर जाओगे बाहर आ जाएगा, और इसकी प्लेसमेंट आप यहां से ऐसे कर सकते हो। आगे लेके जाना, देख रहे हो पाथ के अलॉन्ग मूव हो रहा है टेक्स्ट, और इसमें दो छोटे छोटे सर्कल भी चल रहे हैं साथ साथ, दरमियान में अगर गौर करो छोटे छोटे दो पॉइंट्स भी हैं मूव हो रहे हैं ना साथ साथ, एक स्टार्ट पॉइंट होता है एक एंड पॉइंट होता है, क्या होता है एक स्टार्ट पॉइंट होता है एक एंड पॉइंट होता है, इनसाइड लेके आओगे ये टेक्स्ट इनसाइड आ जाएगा, बाहर की तरफ निकालोगे ये टेक्स्ट बाहर की तरफ चला जाएगा, यही। और ये पॉसिबल कब होता है स्टूडेंट्स, इसके साथ, चाहे वो सर्कल हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कोई लाइन बनाई हुई हो, सिंपल स्ट्रेट लाइन भी हो, उसके ऊपर भी आप इस टेक्स्ट को लेके आ सकते हो। अब वापस चलते हैं जी अपने टाइम हो गया यहाँ तक समझ आ गई है, टेक्स्ट का टेक्स्ट के इनसाइड फिल करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट भी तो होते हैं ना, टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट लिखा जा सकता है, उसको मैं आपको नहीं कर सकते कुछ। एक सेकेंड, ये मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे ये लिखा एक जो भी टाइटल आपने दे दिया है ये आपने दे दिया, ठीक है, ये टाइटल आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, इसका साइज अगर आप कहते हो तो मैं बड़ा भी कर देता हूँ। अच्छा ये एक टाइटल है, हाँ इसको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसपेरेंट करना है मतलब कलर इसका जी। ये देखो ना आप जब इसको एक तो ये देखो यहां से कर सकते हो जो वैल्यू देनी है, कलर वालर जो भी आपने देना है, ये जैसे ये मैंने व्हाइट कर दिया नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा उसके टिंट वैल्यू को हाई कर रहा हूं, ये देखो उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, ये जो भी कलर आप दोगे ना ब्लू है ये, यहां से आप इसके टिंट कलर दे सकते हो, ये टिंट हो रहा है, व्हाइट शेड की एडिशन हो रही है, ये व्हाइट शेड की एडिशन हो रही है, अब वो कलर उसका चेंज होते जा रहा है टाइटल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो टिंट शेड्स होते हैं, ये टिंटिंग होती है, और शेडिंग क्या होती है, ये ब्लैक कलर की एडिशन, ये देखो ब्लैक टोन आ रहा है उसमें, और ये ब्लू शेड ब्लैक की तरफ चला गया, एक तो ये एक तो चीज ये होती है। अब आप क्या कह रहे हो आप टेक्स्ट को आप क्लिप करना चाह रहे हो इसके इनसाइड कोई इमेज कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाता है, टेक्स्ट के अंदर भी इमेज रख सकते हो, अभी तो आपको सिर्फ मैंने ये सिखाया है कि किसी शेप के अंदर किस तरह इमेज को क्लिप करवाते हैं, ठीक है, अभी तक आप लोगों ने क्या स्टूडेंट्स देखा कि किसी शेप के इनसाइड आपने किस तरह क्लिप करवाना है इमेज को। अब ये आपके दोस्त कह रहे हैं कि सर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट के इनसाइड भी हम कोई शेप को क्लिप कर सकते हैं, अब इसके लिए क्या करना है, मिसाल के तौर पे ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, इसका कलर वलर चाहे चले थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये इसके अंदर अगर आपको कैप्चर करना है इमेज को तो कैसे होगा, इमेज लेके आते हैं, कोई भी इमेज, एनी इमेज, ठीक है जी, ऑड शेप के साथ इसको मैं साइज ये कर देता हूं, अगर ये इमेज को आप इनसाइड दिस क्लिप करना चाह रहे हो ये
ये हो गया, देख रहे वही सेम प्रोसीजर जो एक शेप के लिए होता है, वही सेम एक्शन टेक्स्ट के लिए भी है, सेम सेम, कोई फर्क नहीं है। सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, ट्रायंगल में जिस तरह आप इमेज को पुट करते हो, क्लिप करवाते हो, वही टेक्स्ट के लिए भी है, सेम सेम, मसला ही कोई नहीं। आप इमेज को ऊपर रखो अबव लेयर पे, अब बिलो लेयर पे जिस आपका टेक्स्ट है उसके इनसाइड आप क्लिप करवा दो, ऑल्ट से क्लिक करके, या मेन्यू में चले जाओ वहां से कर दो। इसका मतलब है बहुत अच्छे अच्छे जो आपके होते हैं लैंडस्केप्स, उसको अगर आप चाहो अपने टेक्स्ट के अंदर भी उसको कैप्चर कर सकते हो। या जैसा पिज्जा शॉप है, पिज्जा शॉप के अंदर अगर आपको कहा जाए कोई इमेज को इसके अंदर पुट कर किया जा सकता है, कोई पिज्जा काइंड ऑफ इमेज यहाँ पे इसके अंदर पुट किया जा सकता है, मसला है कोई नहीं। जस्ट आपने इसको सिलेक्ट करना है, करने के बाद उस इमेज को लेके आना है और उस इमेज को लेके आके ड्रॉप करना है, और ड्रॉप करके आपने इसको पोजिशन करना है। आप पोजिशन करके इसको आपने साइज वाइज कर लीजिएगा, बाद में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये जब आ जाए तो इसको आपने इनसाइड दिस क्लिप कर लो, चला गया ना उसको। आप बाकी इसको आप क्लिक करके रिसाइज जो करना चाहो इमेज को वॉक कर सकते हो। ये टेक्स्ट है जो इसके बिलो लेयर पे पड़ा हुआ है, और ये उसका इमेज है जिसके अंदर आपने कैप्चर किया हुआ है। अगर आप समझते हो कि इसके इमेज को थोड़ा एनलार्ज करके दिखाना है, कोई इसके अंदर कोई आपने कोई शो करना चाह रहे हैं इमेज का पार्ट कोई, तो इसको आप आराम से ट्रैक करके दाएं बाएं मूव करके भी देख सकते हो। ये देख रहे हो वैल्यूज उसकी नजर आ रही है, जो भी उसमें आपने शो करना है उस हिस्से में वो किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज करके अपने डिजाइन के अंदर आप फिलिंग के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो उस शेप को, जाना है आपने बस, ठीक है, बस ऑफ हो गया हमारा, कोई मसला नहीं। ले जी आज इतना ही आप रखिएगा, यहां तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल ना, कल मैं आते ही आपको ये कुछ ऑप्शन है मेन्यूज के अंदर, ऑप्शन है जिसमें से एक मैंने ना चाहते हुए मुझे करवाना पड़ गया, सिलेक्शन पैटर्न बनाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ गया, सिंगल रो का जो मैंने पैटर्न फेल किया कलर्स के साथ वो मुझे बताना पड़ गया। बाकी भी ऑप्शंस कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, कोशिश मैं ये करूंगा कल आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताया जाए, जो कि हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल मार्की से। ये चार रूल्स को हमने इस्तेमाल करना है, ये मूव का हमें पता लग गया, ये चार ऑप्शन ये हैं जी, तीन ऑप्शन ये हैं। साथ में मैं आपको ब्रश का टच दूंगा, ब्रश का इस्तेमाल कल हम शुरू करेंगे कि ब्रश को यूज कैसे करना है, ठीक है। और बाकी ये दो बिल्कुल छोटे छोटे टूल्स हैं, क्रॉप और फ्रेम, ये हमारे इस वीकेंड तक इंशाल्लाह जितनी मैंने आपको चीजें बताई ये खत्म हो चुकी होंगी हमारी, ठीक है। और हो सकता है मैं आपको हीलिंग टूल भी और आई ड्रॉपर के साथ ये भी करवा दूं। उम्मीद ये है कि हम ये वाले टूल ऊपर वाले, ये जितने भी आपको ऊपर वाले ये वाले टूल हैं, ये सारे मैं आपको बता दूंगा, मूव टूल, रेक्टेंगल, लासो, ये मैग्नेटिक, और ये क्रॉप, ये फ्रेम, ये आई ड्रॉपर, और ये हीलिंग, और ये ब्रश, और ये स्टैम्प, क्लोन स्टैम्प। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको ये ऊपर के जो 10 टूल्स हैं, ये हम जब फाइनल लेक्चर हो हमारा वेनेसडे वाला दिन, तो ये हमारे सारे टूल्स की अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिकली ग्रिप आ जाए कि करता क्या है, इसे हम क्या क्या कर सकते हैं फोटोशॉप में, किस तरह आपको फैसिलिटेट करता है। ये 10 टूल कम से कम आपके ये क्लियर हो जाएंगे। नीचे के कुछ टूल्स हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, टेक्स्ट टूल भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, और इसके अंदर ये दो ऑप्शंस आपको इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा। जब ये ऑप्शन कर रहे होंगे ना सिलेक्शन के हवाले से, तो इसके साथ ही ये दो ऑप्शंस जो नीचे वाले ये भी कवर हो जाएंगे, ये भी सिलेक्शन ही है, ये भी मास टूल सिलेक्शन ही है, ठीक है। ये यहां से आप कर लो, साथ में इन टूल्स को मैं आपको इंशाल्लाह कल कोशिश होगी मेरी कि ये आपको सिलेक्शन के हवाले से ये आपके टूल की अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए। बाकी ये छोटे छोटे टूल्स हैं, और मेरा पूरा प्रोग्राम ये है इस वीकेंड तक हम ये ऊपर वाले 10 टूल्स सीख चुके हों, कुछ मेन्यू ऑप्शन साथ साथ हो रही है हमारी, ये टाइप की, ये टाइप से रेलिवेंट है, टाइपिंग हमने स्टार्ट कर दी है। किसी दिन ये टाइप टूल को मैं ओपन करके सारा सिखा देना है आपको, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। टाइपिंग जो कर रहे हो उसको फैसिलिटेट करता है एक मेन्यू जिसका नाम है टाइप मेन्यू। जहां तक सिलेक्शन है, सिलेक्शन भी हम साथ साथ कर रहे हैं, जिसमें से कल आपको कम से कम
ये जो ऊपर वाली ऑप्शंस हैं इनके बारे में कल पता चल चुका होगा। ऑल क्या करता है, डिसलेक्ट क्या करता है, आपको बता दिया वैसे, रीसेलेक्ट एंड इनवर्स इन ऑप्शन के साथ, और ये बाकी ऑप्शंस भी आपके साथ साथ होती जाएंगी। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल ना ये मेन्यूज की भी कुछ ऑप्शन साथ साथ करते जाएंगे, और ये ऑप्शंस भी ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लीट होती जाएंगी, और एट द एंड ऑफ आप फ्यू डेज आप देखोगे आपका पूरा का पूरा ये पैनल्स जितने हैं इंशाल्लाह ये भी सारे समझ आ चुके होंगे, टूल बॉक्स भी सारा समझ आ चुका होगा, और मेन्यूज भी आपके सारे अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। ले जी, ये है जी आज का आपका लेक्चर, इंशाल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बस उसके लिए माजरत, क्योंकि वो मजबूरी है, इंटरनेट जैसे मुझे अवेलेबल होता है यूट्यूब के ऊपर, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह इसकी अपलोड भी कर दूंगा वीडियोस। बाकी जितनी जो समझ आई है इसकी प्रैक्टिस जरूर साथ साथ कीजिएगा, आज ठीक हो जाए, कल ठीक हो जाए, जिस दिन भी हो जाएगा इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूंगा। सही है, जब तक नहीं होता आपने जो सीखा है क्लास में अंडरस्टैंड किया है इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं हो रही कि समझ ही ना आए आपको। ठीक है, इंशाल्लाह समझ आई होगी और इसको आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लोगे। हिरा मुबर्रा और आफिया, ठीक है जी, इंशाल्लाह, थैंक यू।